हाँ मुझे भी आ रही है, इसलिए मैं भी पूछा था आपको कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या। आपकी आवाज क्लियर है पर बैकग्राउंड में है वो चटर चटर हाँ, किर किर की वाला। आवाज आ रही है। हाँ हाँ और वो रिकॉर्डिंग में भी आती है सर। एक्चुअली लेट मी क्लियर इट, ये शायद मेरे कंप्यूटर से ही आ रही है लेकिन अभी तक कोई मैकेनिक इसको पकड़ नहीं पा रहा है, बट आई एम गोइंग टू गिव इट फॉर ओवरऑल यू नो ओवरऑल क्लियरिंग। ये एक्चुअली उजाला जी, जब ये इसका स्पीकर खराब हो जाता है ना लैपटॉप का, तब ये प्रॉब्लम आती है। मेरे आप इसमें भी है हेडफोन तो आई लगाए, एम हेडफोन हाँ लगाए आप। हाँ तो वो दूसरी चीज है, वो लगा लें या फिर कोई दूसरे गैजेट से आप बात करें और इससे स्क्रीन रखें, जैसे मैं करती हूँ लैपटॉप पे वो करती हूँ और इसके ये दूसरा। आपका जो स्पीकर है ना वो शॉर्ट हो गया है, तो जब स्पीकर में अर्थिंग आ जाती है ना तब ये किर किर की आवाज आती है। मीनवाइल आई एम पुटिंग यू ऑन म्यूट, अब नहीं आ रही। राइट, तो उजाला जी के विषय में आप वैसे सारे लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। उजाला जी ने जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये क्वांटम हीलिंग या PLR या जितनी थीटा पे जितनी हीलिंग टेक्निक्स पे काम करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर बड़ी ही मेहनत से इस पे बड़ी डेडिकेशन से इस पे एक्सपीरियंस प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त किया, और ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने यूरोप और US से सीखी हैं। तो वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के जो प्रॉपर गाइडेड सिस्टम्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनके माध्यम से इन्होंने प्राप्त किया है, और काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं, इन पर काफ़ी गहराई रखते हैं। और मतलब इट्स दीज टेक्निक्स आर नॉट एनीथिंग एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इंडिया में ना इन टेक्निक्स के ऊपर बहुत गहराई वाले सिस्टम डिजाइन या इंस्टीट्यूशन भी बहुत कम है जो गहराई पे लेके जाते हो, जो लंबी रेस के घोड़े बनाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भी इंडिया में बहुत कम है। और हम कोशिश कर रहे हैं जलाजी के माध्यम से डेवलप करने की, तो दिस अकेडमी इज गोइंग टू बी लंबी रेस का घोड़ा दैट में। तो दैट्स हाउ इट इज। एंड उजाला जी की टेक्निक पढ़ाने की भी बड़ी अच्छी है, मतलब बड़े गहरे से और क्लियर करके सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। यस आई डू अंडरस्टैंड कि लास्ट टाइम क्वांटम के नोट्स थोड़े बहुत डिले हो गए थे, क्योंकि ये नोट्स बने बनाए कैसे नहीं मिलते, हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं बैठ को। हर फैकल्टी अपने अपने नोट्स अपने आप बैठ के पढ़ता है, किसी की कोई हेल्प कैसे नहीं मिलती, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट यस वी आर कमिटेड, वी विल डिलीवर दी नोट्स एंड वी आर डिलीवरिंग इट। काफ़ी नोट्स हमने हर चीज़ से डिलीवर कर दिए, जो रह गए हैं वो भी विल डिलीवर इन द ड्यू कोर्स। सो नाउ कमिंग टू दी सब्जेक्ट, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू उजाला जी फॉर टुडे सेशन। उजाला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू थैंक यू फॉर सर, टुडे थैंक सेशन, यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस टाइम, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल अवर गेस्ट पार्टिसिपेंट टू प्लीज कीप योर कैमरा ऑन ड्यूरिंग दी सेशन, ताकि फैकल्टी को भी एक ड्यू रिस्पेक्ट टेक किया जाए एंड ग्रेटिट्यूड दिया जाए फैकल्टी को भी सेशन के लिए। नाउ उजाला जी दिस सेशन इज ओवर टू यू, एंड थैंक यू सर, यस थैंक यू सो मच सर। अर्गन कलर आई मैडम, आपका नाम अर्गन ही है, अर्गन कलर ही है। यू कैन अनम्यूट फर्स्ट, यू कैन अनम्यूट आई योरसेल्फ। एम सीइंग दिस नेम ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन द वेबिनार। मैडम यू आर यू ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम ऑन द वेबिनार, आई कांट हियर यू। या आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैन फर्स्ट टाइम। ओह वाओ, ओके, यू सो आर वेलकम, वेलकम, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू यू, बिकॉज़ सी अब तो इतना टाइम हो गया, हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि यू इज, पता चल जाता है देखते हैं। जी सर, सो आई यूर हैज माय वर्क सो आई कैन स्विच ऑन माय दिस पिक्चर यू नो वीडियो, बट आई जस्ट वांट टू अटेंड इट। ओके, यू आर वेरी वार्म, व्हेन माय बॉस विल कम आई विल स्विच इट ऑफ। ओके, वी अंडरस्टैंड इट, इट्स ऑल राइट, एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू, एंड वी आर वेरी श्योर दैट आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा आज का सेशन अटेंड करके। अगर आप हमारे, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट में, अगर आप किसी भी ग्रुप में हमारे नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक से हमारे ग्रुप में, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो दोज हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एकेडमी मे नॉट रिक्वायर टू ज्वाइन अगेन, बट जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट। सो वेलकम अर्गन जी वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टूडेज वेबिनार। उजाला जी यू मे प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। थैंक यू सर, सो इज दैट योर नेम और यू हैव सम अदर नेम? हम लोगों को सबको आपका नाम जानना है तो इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है उसे। माय नेम इज काजल। ओह वाओ, ब्यूटीफुल नेम, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू डू दिस कोर्स, फास्ट कोर्स। सो आप लोग सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट सीखने वाले हैं, जो हमने पहले 2 महीने में सीखा था अब इस बार हम वो सारी चीज़ें एक ही महीने में सीखेंगे।
एक्चुअली जहाँ तक सर ने बताया कि जो इसका एक्चुअली क्वांटम में जो मटेरियल है वो जब आप क्वांटम एक बार सीख जाते हैं ना तो आपको किसी नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. क्वांटम इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल टेक्निक. इसमें थ्योरी बहुत थोड़ी है, बहुत कम थ्योरी है. तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप जब क्वांटम सीख जाए, या जिन लोगों ने, आई थिंक बहुत सारे लोग दोबारा से अटेंड कर रहे हैं आज का वेबिनार, तो उनको पता है कि कितनी सारी चीज़ें आप सिर्फ अपना दिमाग लगा के हील कर सकते हैं. आपको सिर्फ एक टेक्निक पता होती है और उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो अब मैं थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी कि ये टेक्निक कहाँ से आई और कैसे हम ये टेक्निक के साथ काम करते हैं. सबसे पहले तो जो हमने आज तक टेक्निक्स के बारे में सुना है वो या तो मेडिटेशनल होती हैं या रिग्रेशन थेरेपीज होती हैं, जहाँ पे हम किसी को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं या उसकी प्री अभी प्रेजेंट लाइफ टाइम में भी ले जाते हैं, या किसी भी तरीके की जो है आँखें बंद करके ही उस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं. क्वांटम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जब हील करते हैं तो हम आँखें बिल्कुल भी बंद नहीं करते हैं. ये टेक्निक को हम आंखें खोल के फॉलो करते हैं और हील करते हैं लोगों को, पर उस समय भी हम लोग एक्चुअली ट्रांस में होते हैं. और क्योंकि ये सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी पावर होती है कि हम अपने आप को खुद हील कर सकते हैं, उसके लिए हमें बाहर से किसी इंस्ट्रूमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एनर्जी को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. तो जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हम अपनी खुद की एनर्जी से क्वांटम फील्ड बना सकते हैं. उस क्वांटम फील्ड को हम खुद के मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरों की हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. जब हम क्वांटम में बहुत डीप जाते हैं, जो सर ने बताया कि जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तब हम DNA एक्टिवेशन कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ क्वांटम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि जितना आप दूसरों को हील करते हैं उतना ही आप खुद भी हील होते हैं. और ये सबसे ज़्यादा इजी क्विक, जिसको बोलते हैं ना, आप सड़क पे भी खड़े और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक सेकेंड में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसमें हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते, हील नहीं करते. सो पहले भी मैंने अपने वेबिनार में बताया था, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. हीलिंग क्या होता है, एक लीटर बॉटल जो है पानी की, उसमें हमने जो पानी लिया है हम उसी पानी को हील कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म किसी चीज़ को करते हैं तब हम उसकी लिमिट से कहीं ज़्यादा कर पाते हैं. आप समझे मेरी बात को, क्योंकि हम जब हील कर रहे हैं तो अच्छा हमें सिर्फ ये यू नो लिवर हील करना है या आपका इंटेस्टाइन हील करना है या आपकी मनी प्रॉब्लम को हील करना है, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इट इज़ अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं होती. तो हमको लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसकी हमें कोई लिमिट, क्योंकि पैसा हमें अनलिमिटेड चाहिए होता है. एवरी डे एवरी टाइम वी नीड मनी, है या नहीं? वी नीड मनी ऑल द टाइम. हमको अच्छी हेल्थ हर रोज चाहिए, ऐसा नहीं कि आज मुझे एक घंटे के लिए मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी तो भी चलेगा, कभी नहीं चलता. तो हम लोगों का एक्चुअली जो बिलीफ सिस्टम है वो अबेंडेंस वाला होना चाहिए. बट वो होगा कैसे, जब आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे तभी तो वो होगा, है ना. जब तक हम हील ही करते रहेंगे तो हम उसी स्पेस में बने रहेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम इसी हीलिंग मॉडलिटी में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे लोग इतना रेडी होते हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कि कोई भी मॉडलिटी आप उनको दे दो और उससे उनका ट्रीटमेंट आप करो, उनकी थेरेपीज करो, तो वो तुरंत हील हो जाते हैं. जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो गई जब मैंने इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी उनके लिए किया, या मैंने फैमिली कॉन्स्टलेशन किया, या ऐसी बहुत सारी थेरेपीज हैं, या जब मैंने DNA एक्टिवेशन किया थ्रू क्वांटम ओनली, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं. उनकी कोई एक एरिया इतना बड़ा खुल जाता है कि जो उनको लगता है कि अरे अब बस अब मुझे लाइफ में क्या चाहिए. तो ये तो एक एरिया को ही हम ट्रांसफॉर्म करें. ऐसे अगर आपके दो तीन एरिया, जैसे मनी के लिए आपका एक ऐसा खुल जाए आपका रास्ता कि आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े ये सोचने कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो ये मेंटलिटी के ऊपर हम काम करते हैं. ये जो हमारा थॉट है उसको हम इन्हेंस करेंगे इसमें, कि हमारे पास जो हो वो इतना हो कि हम उसके लिए हमें कभी परेशान ही ना होना पड़े. जो पॉसिबल है, जो हो सकता है,
और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है क्वांटम का वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को, लाइक आपका बॉडी है, आपका पैसा है, आपके रिलेशनशिप है, उसको आप तुरंत क्विकली फास्ट वे में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपको अभी 4 दिन 6 दिन बैठ के सोचना नहीं है कि अरे ये ट्रांसफॉर्म होगा, तब होगा जब रिजल्ट दिखेगा दिखेगा। मे बी कि आपने ट्रांसफॉर्म किया, आपके क्लाइंट को नींद आ गई, वो जाके सो गया, जब वो उठा तो उसको एक डिफरेंट ही फीलिंग आया। इस तरह का फीलिंग फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी लोगों को अपने उसमें प्रैक्टिसेस में देखने को मिलता है जब वो क्लाइंट्स लेना शुरू करते हैं। एंड क्वांटम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हर मॉडलिटी की, हर थेरेपी की एक लिमिट होती है कि आप इसमें सिर्फ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर गॉड के ब्लेसिंग्स होते हैं या जो थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, वो शायद बहुत कुछ बड़ा भी कर ले। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस मालूम पड़ता है जब आप ये थेरेपीज करते हैं कि आप किसी भी एरिया को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। बस दिस इज द ओनली कंडीशन इज आपको रोज उसका मेडिटेशन करना होगा। और वो मेडिटेशन इतना सिंपल होता है कि अगर उसके साथ आप रेकी मेडिटेशन कर रहे हैं, या लामा फेरा कर रहे हैं, या आप आकर्षित कर रहे हैं, या आप एंजल थेरेपी कर रहे हैं, हर चीज़ का पावर बढ़ जाता है। अभी तो हमने थीटा भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो अगर आप 7th प्लेन पे हैं और आप क्वांटम भी कर रहे हैं, साथ में आपने सपोज कि आपने रेकी भी लिया हुआ, ये सारी चीज़ें इतना पावर पैक्ड आपको रिजल्ट देंगी कि आपको 5 मिनट का मेडिटेशन ऐसे लगेगा कि 45 मिनट्स हमें हो गए मेडिटेशन करते हुए। ठीक है, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट क्वांटम। क्वांटम मैंने एक, सबसे पहले मैंने एक फ्रेंच कपल के साथ सीखा था, उसके बाद मैंने US से आए हुए एक इंडियन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी, वो ऑलमोस्ट वो साइंटिस्ट हैं, उनसे मैंने सीखा था। उसके बाद मैंने US के एक दो लोगों के साथ और भी उनको फॉलोअप करके सीखा, ऑनलाइन सीखा। और उसके बाद ये जो आप पढ़ेंगे ये कोर्स, ये इन सब लोगों का एक मिला जुला एफर्ट वर्क मैं आपको दे रही हूँ। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो मैंने इतने सारे लोगों के साथ सीखा है उसको मैं एक जगह लेके आई हूँ, और जो बेस्ट मैं दे सकती हूँ आपको वो इसमें है, और इसमें हर चीज़ का हीलिंग है। सो क्वांटम एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो इंडिया में लेके आए, या पूरे वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं, नॉट ओनली इंडिया, क्योंकि वो US बेस्ड है, US में ही रहते हैं, वो डॉक्टर हैं, उनका नाम है दीपक चोपड़ा। तो जितने भी मैंने डॉक्टर एरिक पर्ल से भी क्वांटम सीखा है, बट उनके क्वांटम पर आप रीकनेक्टिव और रीकनेक्शन हीलिंग है, वो भी दीपक चोपड़ा को बहुत एडमायर करते हैं। जो दीपक चोपड़ा है, ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु यूज क्वांटम हीलिंग टर्म, कि क्वांटम हीलिंग भी एक चीज होती है। आई वुड लाइक टू शेयर सम स्लाइड्स विथ यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। So just 1 minute, it is opening. So this term, quantum healing, is coined by Deepak Chopra. और quantum में ये कोई limitation नहीं है कि ये quantum सिर्फ हम humans के ऊपर हो सकता है, quantum किसी के भी ऊपर हो सकता है। इसका मतलब ये है, आप प्लांट्स, एनिमल्स, किसी को भी आप क्वांटम हीलिंग दे सकते हैं। वन सेकेंड, जैसा कि आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर वेरी इनोसेंट, उनके अपने कोई बिलीव सिस्टम ही नहीं होते। तो जब जो ये एनिमल्स होते हैं, जब हम उनको क्वांटम करते हैं, तो सबसे जल्दी हील होने वाले जो होते हैं एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स इस एनर्जी को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं,
या एक सेकेंड, मैं आपसे स्लाइड शेयर कर रही हूँ. आप देख सकते हैं. ओके सो द टर्म क्वांटम हीलिंग वॉज कॉइन्ड बाय दीपक चोपड़ा अ होलिस्टिक गुरु एंड हैज मोर देन 65 पब्लिश बुक्स. यू नो ही पब्लिश 65 बुक्स ओनली ऑन क्वांटम हीलिंग. It invoked the idea of healing process whereby an imbalance is corrected by quantum mechanical mechanical means. That means कि जो भी imbalance है, जो भी हमें बीमारियाँ, जो भी परेशानियाँ होती है कि कहीं ना कहीं हमारे thought में, हमारी body में imbalance है जिसकी वजह से ये होती है. And quantum is the perfect balance of science and spirituality. जब आप क्वांटम के क्लास में आएंगे आपको बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स में बताऊंगी जो बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड. बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है क्वांटम में कि आपको कोई भी चीज़ किसी पुराने पैटर्न या किसी थॉट पैटर्न पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. आप इट्स अ मॉडर्न टेक्निक टू हील. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फास्ट. आप अगर देखें आज के समय में हर चीज़ बहुत फास्ट होते जा रही है, करेक्ट. हर चीज़ हमारे गैजेट्स छोटे होते जा रहे हैं, हमको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है इट इज वेरी फास्ट, राइट. हमको 2 मिनट में जूम में चले जाते हैं तो हमारी हीलिंग्स क्यों नहीं इतनी फास्ट होनी चाहिए, वो भी फास्ट होनी चाहिए, करेक्ट. सो देर आर 3 कीज टू अनलॉक क्वांटम कोर. मींस द क्वांटम कोर मींस दिस इज इट इज कॉल्ड क्वांटम कोर 2 पॉइंट्स मैटर. जहां पे 2 पॉइंट हम अपने हाथों से क्रिएट करते हैं टू मेक क्वांटम फील्ड. ओके सो सबसे बड़ी की जो है जो हमको फॉलो करनी होती है, नो एवरीथिंग इज लाइट इंफॉर्मेशन वाइब्रेशन एंड वी आर द मल्टी डायमेंशनल बीइंग विद इनफाइनाइट पोटेंशियल. ओके सो अगर हमको ऐसा लगता है मैं ये बॉडी हूँ या मेरा बहुत कुछ ईगो है, मेरे पास ये है वो है, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट लाइट एंड इंफॉर्मेशन. सो वॉट वी आर डूइंग नाउ इज मैं आपको इंफॉर्मेशन ही तो दे रही हूँ. ये जो कुछ भी है इट्स अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. और अगर हमारा बॉडी लाइट नहीं है तो आज के डेट में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम तैयार किया था डीएनए के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने डीएनए का पूरा रिसर्च किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि डीएनए इज नथिंग जस्ट लाइट. ये हमको बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि ने भी बताया था कि वी आर जस्ट लाइट. हम एक जो प्रकाश है उसके हम छोटे से एक छोटे से बहुत जरा से एक टुकड़ा है हमारे अंदर उस प्रकाश का. सो वी आर लाइट इंफॉर्मेशन एंड वाइब्रेशन. ओके हम लोग बोलते हैं ना एक जनरल लैंग्वेज, मेरी उसकी वाइब्स नहीं मिलती, हमारे वाइब्रेशंस नहीं मिलते. सो दिस इज हाउ वी आर. हम लोग सिर्फ लाइट है, इंफॉर्मेशन है, वाइब्रेशन. वी आर नॉट मोर देन दिस एनीथिंग. तो जब हम लाइट हैं तो लाइट का कितना बड़ा दायरा होता है, उस लाइट को कितना हम फैला सकते हैं. एक छोटी सी लाइट जब हम कहीं जलाते हैं तो पूरे रूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है. तो अगर हम वही लाइट क्वांटम में आके अपने अंदर उस लाइट को बैलेंस करें, उस लाइट से खुद को बैलेंस करें, तो हम कितनी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो जो चक्रास के बारे में लोग जानते हैं उनको पता है कि 7 चक्रास होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 7 नहीं, हम 10 चक्रा एक्टिवेशंस करते हैं. अर्थ स्टार चक्रा, उसके अलावा आपका सोल स्टार चक्रा, एंड देन आपका ये थ्रोट का जो क्या बोलते हैं आपका ये ग्लैंड्स जो हैं, हमारी ये सारी ग्लैंड्स को हम एक्टिवेट करते हैं इसमें. एंड नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, आज के टाइम पे नहीं, ऑल द एजेस एंड ऑल द डिमेंशन, मतलब जितने डिमेंशन से हम गुजरे हैं या जितने डिमेंशन हैं जहाँ जहाँ हमारा एसेंस है, हम हर डिमेंशन में अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक. अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ उनके चक्रास क्वांटम के थ्रू एक्टिवेट करेंगे ना,
यू विल फील द चेंज, बॉडी तुरंत डिटॉक्स करना शुरू कर देती है. दूसरी इंपॉर्टेंट की है दैट एवरीथिंग क्रिएटेड इन द हार्ट विथ लव एंड दैट इज वेयर वी नीड टू बी ऑल द टाइम्स. सो हम कहते हैं ना दिल से करो तो होगा, दिल से करो तो होगा. जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो कहते हैं दिमाग से करो, बट एक्चुअली आपका जो हार्ट है दैट हैज अ डिफरेंट ऑरा देन योर बॉडी. ये स्टडीज की गई है इसके ऊपर. ये कोई कहने की बात नहीं क्योंकि हमको ये चीज़ यू नो डिवाइन्स एक्सेस की है या हमको ये चीज़ कहीं किसी साधु, ऐसा नहीं है. ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ दिस ऑल साइंटिफिकली प्रूवन. हमको ऐसा लगता है कि हमारी थर्ड आई सबसे पहले सेंस करती है अगर कुछ होता है, नहीं, हमारा हार्ट सबसे पहले सेंस करता है. देर इज़ अ हार्ट इंस्टीट्यूट इन US एंड जापान एंड रशिया. तब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रशिया वाले लोग जो भी अपने यू नो जो भी अपने वो इन्वेंशंस करते हैं या जो भी उनकी चीज़ें चलती हैं वो इतना रिवील नहीं करते, बट US से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं. तो उनका कहना ये है कि पूरी बॉडी का ऑरा जो है वो है, लेकिन अपने हार्ट का एक ऑरा डिफरेंट होता है एंड हार्ट का ऑरा सबसे पहले सेंस करता है कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर स्नेक आने वाला है, ठीक है, स्नेक आने वाला है तो आपकी थर्ड आई उसको सेंस नहीं करती. जो हमको आज तक इतना बड़ा मिथ है कि हमारी थर्ड आई है, हमारा सिक्स सेंस बहुत काम करता है, नहीं, आपका हार्ट उसको सबसे पहले सेंस करता है, देन इंफॉर्मेशन गोज टू योर थर्ड आई. तो यहाँ पे हम जो कुछ भी क्रिएट करते हैं अपने हार्ट के फील्ड में क्रिएट करते हैं. आपको बहुत सारे मेडिटेशन इसमें ऐसे मैं करवाऊंगी जिसमें आपको फील होगा कि हाँ ये जो मेडिटेशन है उसके बाद मुझे उस एनर्जी हमने फील की, वो ऑरा हमने फील किया अपने हार्ट में. तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है, संकल्प या प्योर इंटेंशन इज द टूल टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द हार्ट. मीन्स जो कुछ भी आपको करना है उसको हम प्योर अपना थॉट कि हमको किसके लिए करना है, जो इंटेंशन है हमारा एकदम प्योर होना चाहिए कि हमें इसको हील करना है. अगर आप ये प्योरिटी नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा, मतलब या तो हीलिंग होगी या कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव आप किसी के लिए नहीं कर सकते. ये इस मॉडलिटी की बहुत खास बात है. जो मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम ये इसमें नेगेटिविटी आएगी या किसी की नेगेटिविटी हमको लग जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं, देर इज़ नथिंग कॉल नेगेटिविटी इन दिस मॉडलिटी. आपको कभी भी कोई भी निगेटिविटी नहीं आती है, किसी की भी नहीं आती है. मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, हीलिंग इज़ अ डबल साइडेड सोर्ड. जब आप एक तरफ चलाते हैं तो दूसरे तरफ भी चलती है. मीन्स अगर आप किसी को हील करते हैं तो आप भी हील होते हैं, ये दोनों तरफ बराबर जाती है. तो आप अगर हील कर रहे हैं, आपका संकल्प प्योर है, तो आपकी भी उतनी ही हीलिंग होगी. एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्वांटम से अच्छी कोई हीलिंग मॉडलिटी मैंने नहीं देखी जिसमें हम डिस्टेंस हीलिंग कर पाए और उसका हमें वही रिजल्ट मिले जो हमें इन पर्सन मिलता है. क्वांटम में आप अगर क्वांटम सीख गए हैं, सी रेकी इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम, ओके, सो क्वांटम जो है, अगर आप किसी को रेकी भी दे रहे हैं, अगर आपको क्वांटम आता है और आप डिस्टेंस से अगर किसी को रेकी देना चाहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल. इतना पावरफुल होगा जैसे कि उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं खुद ही यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इतना पावरफुल होता है. जब मैं एरिक पर्ल के साथ मैंने काम किया था तो उन्होंने बोला था कि कल अपने किसी भी रिलेटिव से परमिशन लेके आना कि आपकी हीलिंग होगी और ये टाइम पे हम हीलिंग करेंगे. उन्होंने एक टाइम दिया था 1:30 और सो कि भाई ये टाइम पे आपको सिर्फ लेट जाना है और हम आपकी हीलिंग करेंगे और बिफोर हीलिंग यू जस्ट कॉल योर पर्सन एंड टेल देम टू रेस्ट. वो सारे लोग सो चुके थे जब हमने उनको कॉल किया, दे ऑल वर स्लीपिंग वेरी वेल. इतना इफेक्टिव है ये. तो इसमें अगर आप इन पर्सन हीलिंग कर रहे हैं या डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, देर इज नो डिफरेंस एट ऑल. सो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया बिटवीन हीलिंग एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंस जो है, हीलिंग बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस. सो जो भी हम हीलिंग करते हैं, हो सकता है कि हम जब क्वांटम करें हमें नहीं पता हो कि व्हाट इज द पास्ट लाइफ ऑफ दिस पर्सन या इस जन्म में उसने पहले क्या किया है,
या पिछले जन्म से पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हमको वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी किसी भी लाइफ टाइम में अपने आप एक्सेस करके वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। सो आपको ये और नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, आपका जो बॉडी का एक एक मॉलिक्यूल और एक एक एटम है वो कहाँ से आया है, वहाँ तक ये हीलिंग होती है आपकी। सो से यस और नो, ऐसे कर दीजिए यस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट शो मी योर थंब। ओके ग्रेट। सो आपका जो एक एक एटम है, एक एक आपका मॉलिक्यूल है बॉडी का, वो तक हम हील कर सकते हैं, इतना पावरफुल है। लेकिन द कंडीशन इज यू हैव टू डू क्वांटम मेडिटेशन, एंड जितना आप क्वांटम फील वो मैं आपको बनाना बताऊंगी, जो हमारे दोनों हाथों के बीच में बनता है। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, हमको कुछ नहीं चाहिए होता है इस हीलिंग के लिए, सिर्फ अपने दो हाथ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जब हम ये इन दोनों हाथों के बीच में क्वांटम फील बनाते हैं मेडिटेट करने के लिए, यस हमको रोज मेडिटेट करना होगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉलो करना होगा, बट इट इज़ सो इजी, सो सिंपल कि आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे अगर आप ये सब करते हैं तो, हीलिंग करने के लिए जस्ट 2 मिनट्स, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये मॉडलिटी बहुत अच्छी है। मेरे पास ऐसे कुछ लोग आए थे जिनके अभी कुछ लोगों की डेथ हो गई फैमिली में, अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी एज में चले गए, तो उसका हम लोगों को बहुत ट्रॉमा होता है। एनीवे इंडिया में ट्रॉमा शॉक ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं होता, हमको ऐसा लगता है ये तो ठीक है, ये तो डे टू डे लाइफ है, ये तो चलते रहता है, इसमें क्या है। बट एक्चुअली ये ट्रॉमा जो शॉक्स होते हैं वो आपकी लाइफ को बहुत ब्लॉक करते हैं, आपकी जॉयफुलनेस को बहुत ब्लॉक करते हैं, आप जहाँ प्रोग्रेस करना चाहते हैं उस प्रोग्रेस को बहुत ब्लॉक करते हैं ये। तो अगर हम शॉक एंड ट्रॉमा जो क्वांटम के थ्रू हम हील करेंगे, एक तो ये बहुत फास्ट होता है, प्लस इट इज़ लाइक यू नो, जब हमें कोई शॉक एंड ट्रॉमा लगता है तो हमारा जो हाथ है हमारे हार्ट पे जाता है ना, ऐसे हाय ये क्या हुआ, राइट अब मैं क्या करूँ। सो दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड इन योर हार्ट, इट इज़ वेरी इजी इन क्वांटम टू रिलीज एनी शॉक एंड ट्रॉमा, एनी डिजीज, एनी यू नो थॉट जो आपको ब्लॉक करके रखता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है, फियर्स बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी फियर्स जाते हैं क्वांटम के थ्रू, आपको कुछ सेकेंड ही लगेगा क्वांटम के थ्रू फियर्स निकालने में। सो अब क्वांटम थ्योरी क्या है, व्हाट इज क्वांटम थ्योरी, एक्चुअली क्वांटम हम किस चीज़ को बोलते हैं और क्वांटम में है क्या और क्यों हम क्वांटम करने से हील हो जाते हैं, है ना ये क्वेश्चन सबको, ऐसा क्या होता है क्वांटम में या ऐसा क्या है हमारे अंदर जो क्वांटम के साथ इतने अच्छे से काम करता है। सो पहली चीज, सबसे पहले हम लोग क्या हैं, सॉलिड बॉडी, है ना, वी आर ऑल आर सॉलिड बॉडी, और जो हमारी एनर्जी बॉडी है जो हमारा दूसरा लेवल है वो है एनर्जी बॉडी, करेक्ट। सो एनर्जी बॉडी इज मोर पावरफुल, क्योंकि बॉडी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, राइट। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक चेयर को जलाने का, तो चेयर जो है, चेयर की अपनी हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी है, जिस टेबल पे मैं आज बैठी हूँ इसकी अपनी एनर्जी है, ये चेयर है इसकी अपनी एनर्जी है, लेकिन अगर मैं इसको जला दूंगी तो इसमें से हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, इसके अपने वाइब्रेशंस होंगे, राइट, क्योंकि हर चीज़ के वाइब्रेशन होते हैं, हमारे एक एक मॉलिक्यूल और एटम के वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशन जो है मोर, इट विल क्रिएट मोर हीट, और हीट बढ़ाएगा वो, तो जो हमारा जो क्रॉस लेवल पर उसमें उतनी एनर्जी नहीं थी जितना हमने एनर्जी देखी जब हमने उस चेयर को जला दिया, राइट। सो अब जब जलाएंगे तो उसमें से हीट और एनर्जी निकलेगी, लाइट निकलेगा, राइट। उसके बाद अगर उसके हम उसको हम और भी ज़्यादा प्रोसेस करें, जो साइंटिस्ट हमारे करते हैं ना, उस किसी भी चीज़ को अणु या उसके जो मॉलिक्यूल को हम और भी ज़्यादा तोड़ेंगे, उसको और भी ज़्यादा प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, उसमें से और ह्यूज एनर्जी निकलेगी, जैसे एटम बम, राइट, एटम बम में एनर्जी निकलती है ना, वो सब कुछ ख़त्म कर देती है।
अगर मान लीजिए ये एटम बम के आगे का भी हम अगर लेवल देखेंगे, यहाँ पे ये साइंस की बात कर रही हूँ मैं आपसे, तो क्या होगा अगर जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है वेव्स में, ठीक है, तो वो वेव क्रिएट करती है, वेव के बाद आता है वाइब्रेशन. सो उस वेव की जो वाइब्रेशन है वो है फील्ड ऑफ अवेयरनेस. ओके, अब आप पूछेंगे ये कैसे है, क्योंकि जब हमने एक चीज सुनी होती है ना, एक हो जाओ उसके साथ, तो ये वही स्टेज है. जब हम वाइब्रेशन तक पहुंच जाते हैं, जब हम खुद वाइब्रेशन बन जाते हैं, देन वी आर वन विद द नेचर, हम नेचर और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं. ठीक है, सो हमको क्वांटम में क्या होता है, सबसे पहले जैसे कोई भी चीज़ है, कार है, हमारी मोटरसाइकिल है, हमारा घर है, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड चीज़ें हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों के नीचे जो चीज़ काम करती है दैट इज कॉल्ड प्योर अवेयरनेस, बिकॉज हर चीज़ जो बनी है वो प्योर अवेयरनेस से ही बनी है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज ओपन योर कैमराज एंड शो मी योर थंब. वन सेकेंड, अभी नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग. सो अभी आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. आपको प्योर अवेयरनेस समझ में आया कि हाउ वी गो थ्रू वाइब्रेशन टू प्योर अवेयरनेस? एवरीथिंग इज मेड विथ प्योर अवेयरनेस. ओके, जैसे कि अगर आपका कोई बॉटल है उसको हमने बर्न किया, तो जब हम उसको बर्न कर रहे हैं बॉटल को, चाहे वो किसी भी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, उसको एनर्जी, उसको हीट दिया, तो उसमें से और ह्यूज हीट निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी, राइट? और भी ज्यादा हीट निकलेगी. वो हीट को अगर हम और भी ज्यादा हीट दे तो क्या होगा, इट विल रीच टू मॉलिक्यूल एंड एटम, इट विल बी अगेन मोर हीट, ह्यूज. इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मॉल थिंग विच कैन बर्न एनीथिंग लाइक एनीथिंग, राइट? उसके बाद हम जब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, उसके बाद हमारा सब एटॉमिक लेवल भी आता है, राइट? सो फर्स्ट लेवल इज अ ग्रॉस लेवल एंड ईच लेवल इज अ मच मोर फाइनर, फाइनर लेवल, करेक्ट? ये बात समझ में आई सबको? सो एवरी लास्ट वाला समझ मैम, लास्ट वाला समझ में नहीं. जो दूसरा आप जो मॉलिक्यूल एटम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना एटम बॉम्ब का, राइट? तो एटम बॉम्ब अगर फूटेगा तो क्या होगा, और एनर्जी निकलेगी, और उससे भी हम और काम करेंगे तो क्या निकलेगा, साइंस के हिसाब से देयर विल बी ओनली वाइब्रेशंस, ओनली वाइब्रेशन. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, साइंस के हिसाब से जब कुछ नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में तो सिर्फ वाइब्रेशन होंगे, ओनली वाइब्रेशन, राइट? ये मेरे ख्याल से जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, स्पेशली फिजिक्स पढ़ी है, आई एम नॉट वेरी गुड इन फिजिक्स बट फॉर क्वांटम आई अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की. दो आई एम ए साइंस स्टूडेंट बट मेरा फिजिक्स मुझे बड़ा रसीन सब्जेक्ट लगता था, तो मैंने कभी ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं की, बट आई लव, सॉरी आई हैव टू म्यूट समबडी. So, but this is very interesting for me. Actually, believe me, ये जितना complicated दिखता उतना है नहीं, but it is very interesting. हम कभी इस तरह से सोचते ही नहीं है कि quantum कहाँ से निकल के आया और क्या हमें बता रहा है. तो जो level होता है, अगर आप जितना finer level पे जाओगे, जितना fine होता चला जाएगा, जितनी ज़्यादा heat निकलती जाएगी, उतना हम कहाँ पहुँचेंगे, vibrations पे, करेक्ट? सो जितने वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन जब क्रिएट, वाइब्रेशन क्रिएट मोर पावर, राइट? जब हमारी कुर्सी थी तो उसमें कुछ पावर नहीं था, किसी को वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, हम ही इसको लात मार के चले जाएंगे भले ही, करेक्ट? पर क्या एटम एंड मॉलिक्यूल्स को हम कुछ कर सकते हैं? इट विल हर्ट अस. अगर हम उस एरिया में आ जाएंगे तो वी विल बर्न आवर सेल्फ. तो कितना पावर बढ़ गया, आपको बात समझ में आ रही है? यस सर, नो, यस दिस, ठीक है?
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे मॉलिक्यूल एटम्स तक पहुंचना है हमको हीलिंग के लिए, लेकिन उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, हमारे मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, हमारा जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें एनर्जी ही एनर्जी है, वी आर द इट हैज़ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ओके, बट अगेन हाउ इट वर्क्स इन क्वांटम, तो क्वांटम में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते चले जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकलती चली जाती है, ठीक है, एंड देर इज़ ए ह्यूज एनर्जी, देन इट विल क्रिएट्स वेव्स, जब वेव्स होता है तो कोई वो मॉलिक्यूल एटम नहीं होता, बट वेव्स कैन गो एनी वेयर, यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से वेव्स का कोई एरिया नहीं होता, तो हमको फिर से ये समझना पड़ेगा कि फिर ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, तो जहाँ वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करती है, जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे वो बीच में एक डॉट क्रिएट करती है, दैट इज आर पॉइंट वेयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्रिएटेड, ठीक है, बात समझ में आ गई, अभी हमने कुर्सी जलाई और हमने सब कुछ खत्म कर दिया, हम उसको वाइब्रेशन पे ले आए, हमने मॉलिक्यूल्स एटम्स सब सब लेवल्स को पास कर दिया, समझ में आया, आया या नहीं आया, ठीक है, अब हम वेव्स पे आए, तो वेव्स जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जो वो पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज अगेन ओरिजिनल पॉइंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, राइट, डन, यहां तक समझ में आ गई बात, सो अब सबसे बड़ी बात है कि वाइब्रेशंस कहां से आते हैं, जो हमारा एक एटम भी क्रिएट कर लेते हैं, दिस कम्स फ्रॉम प्योर अवेयरनेस which we all have, pure awareness. So आपका जो कार है, आपका जो घर है, आपका जो बॉडी है, आपका जो डॉगी है, आपके जो प्लांट्स हैं, this all created by pure awareness. जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना ब्रेन वेव्स को नीचे लेके आते हैं, these are also vibrations, correct? ये चीज आप और भी डिटेल में समझेंगे, और इसका मेरे पास पूरा एक वीडियो भी है जो मैं आपको क्लास में दिखाऊंगी, तो जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे फील्ड ऑफ अवेयरनेस, वहीं से सब कुछ शुरू होता है, तो एक्चुअली जब हम क्वांटम करते हैं तो हम फील्ड ऑफ अवेयरनेस पे जाते हैं और वहां से हम सब कुछ रीअरेंज करते हैं, मतलब जो ग्रॉस था, जो बॉडी था, जहाँ पे प्रॉब्लम था, उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं, हम वापस से उसको अरेंज कर रहे हैं जहाँ पे इम्बैलेंस आ गया था. अब आप समझे मेरी बात को क्लियरली, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, बट लोगों को नहीं पता, साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आके मिलते हैं, जहाँ पे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन कम्स फ्रॉम प्योर अवेयरनेस, देयर इज नो अदर सोर्स, वी ऑल आर मेड बाय प्योर अवेयरनेस, ओके, सो एंड एवरीथिंग इज मेड बाय वाइब्रेशन, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फर्स्ट की, वी आर नथिंग ओनली लाइट इन्फॉर्मेशन एंड वाइब्रेशन, इसके अलावा हम कुछ नहीं हैं, अगर ये चीज़ सच है जो साइंटिस्ट हमें बताते हैं, ये चीज़ सच है तो हम हैं क्या, केवल लाइट है, वाइब्रेशन है और इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, शायद कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझे देंगे, राइट, इवन रिसीविंग मनी इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन, वॉट एल्स, सो नाउ अब हम एनर्जी को किस किस तरीके से क्रिएट करते हैं अपने स्पेस पे, एक तो हम रेकी करते हैं, ताई ची कर सकते हैं, ओके, सब कुछ कर सकते हैं, बट एवरीथिंग वी डू, बट हाउ वी कैन क्रिएट हीलिंग, हाउ वी कैन क्रिएट समथिंग विच इज नॉट देयर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको नथिंगनेस में जाना पड़ेगा, नथिंगनेस का मतलब ये है जहाँ कुछ नहीं है, यही हमको मेडिटेशन में जाना करना होता है ना, कि हमारे सारे थॉट्स ना हो, कुछ ना हो, ये मैं अभी आपको एक मिनट में बताऊंगी, एक छोटे से मेडिटेशन में, राइट, सो वी हैव टू रीच टू द स्टेट ऑफ नथिंगनेस, एवरीथिंग क्रिएट्स वेयर इज नथिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम वेयर इज नथिंग, तो समथिंग इज क्रिएटेड बाय नथिंग, राइट, अगर हमारे पास ऑलरेडी सर में 100, 2000 थॉट्स घूम रहे हैं और मैं आपको एक और क्वांटम का थॉट देती हूँ, यार क्वांटम सीख लो, विल यू रिसीव इट, आपके पास जगह नहीं है यहाँ पे रिसीव करने के लिए, तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू क्लीन इट,
उसका मैं आपको एक बहुत अच्छी एक स्टोरी बताती हूँ. इट्स नॉट अ स्टोरी एक्चुअली, इट इज़ अ ट्रूथ. और एक जापान में एक हीलर थे, वो 0 पॉइंट जो है मेथड यूज़ करते थे, जहाँ पे वो हर चीज़ को शून्य कर देते थे. सो उन्होंने बोला कि एवरीथिंग आई एम क्रिएटिंग, होल वर्ल्ड इज़ माई परसेप्शन, द वे आई सी. तो अगर मैं वर्ल्ड को ऐसा देख रहा हूँ तो उसको मैं बदल भी सकता हूँ. मैं अपना परसेप्शन चेंज कर लूँगा तो वर्ल्ड विल बी चेंज, राइट. तो वो एक हॉस्पिटल में गए, जहाँ पे बैठ के उन्होंने, जहाँ पे बहुत कोई बीमारी थी, शायद प्लेग था क्या था, तो वहाँ पे बैठ करके उन्होंने वो मेडिटेशन किया और उन्होंने हर चीज़ को शून्य कर दिया. एंड यू वॉन्ट बिलीव, उस हॉस्पिटल में, उस रूम में जो भी लोग बीमार थे सब ठीक हो गए. सो हमको वो शून्य स्टेट पे जाना होगा. सो इट इज़ नॉट एनर्जी, इट इज़ नॉट अ फॉर्म, इट इज़ जस्ट नथिंग. एवरीथिंग इज नथिंग, एवरीथिंग स्टार्ट विथ नथिंग, ओके. सो अगर आपको ये नथिंगनेस एक्सपीरियंस करनी है तो हम एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ओके. प्लीज क्लोज योर आइज एवरीबडी, प्लीज क्लोज योर आइज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड सिट स्ट्रेट. Breathe in and breathe out. Center yourself. Feel your heart. Just feel your heart. आपका हार्ट कैसे धड़क रहा है, हार्ट के क्या vibrations हैं, how you feel about your heart. Feel that. Breathe in and breathe out. Breathe into your heart. अब आपकी जो first finger है, pointer जो है, उसको आप अपने forehead के बिल्कुल बीच में touch कीजिए. अब आप महसूस कीजिए कि आपका forehead ज्यादा गर्म है या आपकी finger ज्यादा गर्म है. Your forehead is warmer than your finger or your finger is warmer than your forehead. Just feel that for few seconds. Be there. Your forehead is more warmer than your finger or your finger is more warmer than your forehead. Now, bring your hand down. Take a deep breath in and open your eyes. कितने थॉट आए आपको जब आप ये कि किसको लॉन्ड्री में कपड़े डालने जाना था, किसको घर के बाहर काम के लिए जाना था, मेरी बॉडी में कितनी तकलीफ है, मेरे को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा. देर वॉज नो थॉट, राइट. इट वॉज तो जस्ट बहाना कि आप ये देखो. आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फील दैट नथिंगनेस, दैट इज कॉल्ड नथिंगनेस. जहाँ पे आपका माइंड एकदम फोकस रहता है एंड देर इज नथिंग. अगर आप ऐसा मेडिटेशन रोज कर पाए तो नथिंग लाइक इट, राइट. लेट मी टेल यू एक एकाकार जिसको बोलते ना कि मैं और प्रकृति एक हो गए, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो मैं हमेशा अपने क्वांटम क्लास में बताती हूँ या जब भी कोई वेबिनार होता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया के लोगों को मैंने क्वांटम सिखा दिया है. सो क्या होता है, जब बुद्धा एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और वहाँ बहुत सारे खेत खलिहान होते हैं, जब उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया था, मैं तब की बात आपको बता रही हूँ. तो वो क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना तो हमारी अवेयरनेस किस साथ आते हैं, हमारी कितनी अवेयरनेस है, हम कितने अवेयर होकर जन्म लेते हैं, हमारे पिछले जन्मों की अवेयरनेस, हमने कितना अपने आप को अपलिफ्ट किया है, राइट. वॉश हो गया आपका. तो बुद्धा जो है एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सामने खेती हो रही थी, लोग हल चला रहे थे और वो उसको देख रहे थे.
तो उनके चारों तरफ क्या था, सिर्फ प्रकृति थी, कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था आसपास, कोई बोलने वाला नहीं, कोई. तो एक्चुअली ही लॉस्ट हिमसेल्फ इनटू द नेचर एंड एट दैट टाइम टाइम वाज पॉज्ड, समय वहीं रुक गया. बिकॉज जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं तो आपका समय वहीं रुक जाता है, आपकी कोई लिमिट नहीं रहती है. इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप इतना एक हो गए हर चीज के साथ कि आप एक होते हुए भी आप सब चीजों में जा चुके हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है नथिंगनेस का, इसको बोलते हैं क्वांटम मेडिटेशन. अभी मैं आपको एक मेडिटेशन बताती हूँ जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं आज ही, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम मेडिटेशन. हमारे घर के आसपास कितने कीड़े होते हैं, तितली होती है, टिड्डे होते हैं, इन दिनों में तो बहुत मिलेंगे, अभी तो बारिश शुरू होने वाली है. कितने लोग बॉम्बे से हैं, प्लीज लेट मी नो. ओके, सो चींटियां होती हैं, चींटे होते हैं, बहुत सारे वो लाल वाले कीड़े घूमते रहते हैं. जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, मतलब कोई कीड़ा, कोई फूल, कोई पत्ती या कोई चीज चलने वाली, बट आपकी आंखें वहां से हटनी नहीं चाहिए. इतना इतना ऑब्जर्व करेंगे ना आप, बिकॉज दीज आर इंफॉर्मेशंस. हमारी दुनिया में ड्रैगन्स भी आए, तो ड्रैगन्स क्या ऐसे ही आए और ऐसे ही गायब हो गए? नहीं, हर चीज, हर जानवर, हर प्लांट जो खत्म भी हो गया है ना, वो अपनी एनर्जी अर्थ में एंकर करके ही जाता है. ऐसा नहीं है कि ड्रैगन की एनर्जी खत्म हो चुकी या जो भी स्पीशीज हुए और जो चले गए, देयर इज नो एनर्जी नो मोर, ऐसा नहीं होता. यू कैन ऑलवेज एक्सेस दैट एनर्जी दैट इज देयर इन मॉर्फोजेनिक फील्ड, मींस जहां पे सब कुछ है. एंड देयर इज अ बिग यू नो रिसर्चेस आर गोइंग ऑन मॉर्फोजेनिक फील्ड, के लोगों को इंफॉर्मेशन पुरानी अभी कैसे मिल जाती है, बिकॉज इट इज देयर इन मॉर्फोजेनिक फील्ड. वो मॉर्फोजेनिक फील्ड क्या है? इट इज देयर इन आवर पीनियल ग्लैंड, क्योंकि हम लोग कहाँ कहाँ से बन के आए. आपको पता है ना कि कोई एक जन एक उसको एक इंफॉर्मेशन बोलती है, दूसरे को वो नहीं मिलती. मे बी कि वो टाइम पे वो था ही नहीं पर्सन, बट स्टिल देर इज अ सोर्स विच इज कॉल्ड मॉर्फोजेनिक फील्ड ऑफ द यूनिवर्स. हम वहां से एक्सेस कर लेते हैं. सो देर इज ऑलवेज बिगर एंड बिगर लेयर्स विच वी विल लर्न इन एडवांस कि कैसे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है. बट उसके लिए आपको शुरुआत ये छोटे छोटे मेडिटेशन से, मैं ये नहीं आपको आंख बंद करके बिल्कुल नहीं बैठना. हाँ, एक छोटा सा 5 मिनट्स का अगर आपको करना है, क्योंकि आप दूसरे मेडिटेशंस भी करते हो उसके साथ आप क्वांटम ऐड कर दीजिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. और क्वांटम तो ऐसी चीज है, आप बात करते हुए भी क्वांटम फील बना सकते हो. यू आर ऑलवेज गोइंग टू इन ट्रांस, ऑलवेज. इट डिपेंड्स कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो. सो यहाँ पे एक तो मैंने बहुत पहले से क्लियर कर दिया, देर इज नथिंग कॉल नेगेटिविटी, नथिंग कॉल प्रोटेक्शन, नथिंग कॉल नथिंग, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग थ्रू नथिंगनेस. अब क्योंकि आपको मैंने इतना सब बता दिया कि जब हम किसी चीज को जला रहे, कुर्सी को जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इम्बैल एनर्जी हमारी बढ़ती जा रही है हर लेवल पे, ठीक है. एंड वी हैव कम टू द प्योर अवेयरनेस, ठीक है. अब इस प्योर अवेयरनेस पे जब हम पहुंच गए, विच वी विल बी रीचिंग इन क्वांटम एंड फ्रॉम देयर ओनली. अभी हमने प्योर अवेयरनेस से तो ये सब किया ना, ऊपर कुर्सी को तोड़ा, जला दिया, फिर उसमें एनर्जी निकली, फिर उस एनर्जी का और लेवल बढ़ता गया, फिर वो वाइब्रेशन, फिर वापस हम प्योर अवेयरनेस से हमको ये समझ में आया कि दिस इज हाउ थिंग्स क्रिएटेड, ठीक है. दिस इज भगवान ने, जो हम भगवान बोलते हैं या अवेयरनेस बोलो, आप जो भी बोलना है. तो यहाँ से अगर हम इसी प्योर अवेयरनेस पे पहुंच के किसी इंसान की बॉडी हील करेंगे तो क्या उसे हम हील नहीं कर पाएंगे? बिकॉज वी आर नाउ डाउन टू वेरी ह्यूज एनर्जी, वाइब्रेशंस के थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं. तो एक्चुअली हम जब हील करते हैं, हम किसी चीज को बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते नहीं हैं या कुछ एड ऑन नहीं करते, हम सिर्फ उसको बैलेंस स्टेट में लेके आते हैं. अभी आपको मैं बता देती हूँ क्वांटम से, जो मेरे नोन लोग हैं उन्होंने, ट्यूमर्स बहुत जल्दी जाते हैं क्वांटम से, ट्यूमर्स बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, ठीक है. जैसे आपका स्पाइन टेढ़ा है, ठीक है, हमारे स्पाइन पे अगर ये जितने भी दीपक चोपड़ा है, या दीपक चोपड़ा खैर इज अ फुल ब्लेजली डॉक्टर ओनली,
बट बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स जो हैं उनको पता है कि हमारी बॉडी में मेरिडियंस होते हैं, एनर्जेटिक नर्व्स, हम वो अगर आप देखें आपके स्पाइन के थ्रू बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस। ये सारी मॉडलिटीज में जो नई चीजें ऐड की है ना, ये सब इन्हीं लोगों ने की है। तो आप बॉडी के स्पाइन पे अगर हाथ रखेंगे और सामने आपके हार्ट के फील्ड पे आप अपना हाथ लेके आप क्वांटम फील्ड बनाएंगे, जो आप समझेंगे कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, जब आप क्लास अटेंड करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे क्यों कर रही थी। तो उसमें जैसे ही आपने हार्ट में इंटीग्रेट किया एनर्जी, तो पीछे से आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा मेरा एक हाथ यहाँ पे होना चाहिए, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इतना सेंसिटिविटी, इतना अवेयरनेस आपको होगा काम करने के टाइम, और जितना फास्ट आपको रिजल्ट इसमें मिलते हैं वो किसी चीज में नहीं मिलते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को होती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई प्राइवेसी नहीं मिलती, देयर इज नो नीड। आप किचन में खड़े होकर भी क्वांटम कर सकते हैं, आप आपके बाथरूम के अंदर क्वांटम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं होती है। क्लियर? अब आप लोग ये बताइए, कोई ऐसी चीज है जो आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, जानना चाहता है? आई हैव सम थिंग्स इन माय चैट बॉक्स। जो बड़ी वाली थी ग्लोबल जिसका टाइम चल रहा है, सॉरी प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए सब लोग। हाँ कोमल जी आप बोलिए। Excuse me, कोमल जी, आई यू देयर? ना पीछे बैकग्राउंड में आवाजें बहुत आ रही है भाई। हाँ एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, एक सेकंड। ओके, आई हैव नो अथॉरिटी एक्चुअली अभी। हाँ अब प्लीज आप माइक बंद करिए। अब हो गया। हाँ जी कोमल जी आप बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका? Can't hear you. आप सब लोग सुन पा रहे? No, आप अपने माइक लेके आइए। हाँ आई थिंक कुछ तो है। Can you hear me now? Yes, better than before. हाँ मैं ये पूछना चाहती थी, जब हम ये क्वांटम या जो आप एनर्जी लेवल जो बोल रहे क्रिएट करेंगे, इसके पहले हम लोगों को क्या चीज रेडी हो, आई मीन हाउ डू वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, आई मीन हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है उसके पहले का प्रिपरेशन? ओके, सबसे पहले चीज आपको ना बहुत यू नो ऐसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन के से बाहर आना होता है। मींस आप जब क्वांटम करेंगे सबसे पहले नो एक्सपेक्टेशन, ओके, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स बाय इट्सेल्फ। आप समझ रहे हो मेरी बात? आई विल टीच यू हाउ टू डू क्वांटम मेडिटेशन, मैं आपको क्वांटम मेडिटेशन बताऊंगी, ठीक है? वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। और उसके पहले क्वांटम मेडिटेशन में ले जाने से पहले मैं आपकी बॉडी की क्लेंजिंग करूंगी, सो दैट यू कैन बी मोर फोकस फॉर क्वांटम, ठीक है? आप और भी ज्यादा फोकस होते जाएंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक प्रोसेस में अगर हम चलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा क्वांटम फील्ड बनाना, ठीक है? जब आप क्वांटम फील्ड बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान है क्वांटम करना। उसका एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगी क्लास में, अब वो क्लास में आप सीखेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, एक्चुअली कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? बस इट्स वेरी सिंपल, इसका कोई प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनली कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम ऐसे बोलते हैं ना मैम, when you energize somebody, when you heal somebody, आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल होती है that gets subrided. मतलब no, it's not like that. It is just a belief. जब एक मिनट मैं आपका एक वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वंस यू आर हीलिंग समबडी तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। एक्चुअली आपका क्लाइंट भी आपका ही मिरर होता है। अगर आपके क्लाइंट के आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज लुक इनटू योर स्पेस कि आपके स्पेस में क्या मैच कर रहा है। एक्चुअली आपका क्लाइंट आपकी ही प्रॉब्लम आपको दिखा के जाता है, एक्चुअली ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो योर हीलर। तो अगर आप अपने स्पेस में चेक करेंगे ना, आप खुद को हील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से और क्यों मैंने मेरी एनर्जी ड्रेन हुई। यही था ना आपका क्वेश्चन? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता अनलेस कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जो आपके आपके क्लाइंट से आपकी मैच कर रही हो वो प्रॉब्लम, तब तक आपको कुछ भी नहीं होएगा।
इसीलिए ऐसा नहीं होता कि हर क्लाइंट के साथ हम काम करें, हर क्लाइंट के साथ हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होता. पर हम किसी किसी के साथ ऐसा महसूस करते हैं, उसका रीजन ही ये है कि दैट यू हैव सर्टेन बिलीफ सिस्टम जो आपका इस क्लाइंट के साथ मैच कर गया है, और जहां पे वो आपको बता रहा है वर्क ऑन इट, दैट्स इट. तो मैम इसलिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइक नथिंग, देयर इज नो अट्यूनमेंट, देयर इज नो इक्विपमेंट, देयर इज नथिंग, कुछ बाहर से खरीद के लाने की भी जरूरत नहीं है, नथिंग. Everywhere, मतलब whether you are in a train or a plane or you are traveling, anywhere you are, you can do anywhere. Yes, even if you can't do meditation with closed eyes, you can create quantum field and you can look around and it is your meditation, and it will be more powerful, 100 times more powerful than your normal meditations. Okay. One more thing, ma'am. आप ये 12 classes में क्या, ma'am? Actually, what is it, ma'am? Like you are going to take weekly thrice, right? It will almost 12 classes, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am, it's because that I can have an idea because I am actually occupied somewhere. So I just want to know in brief, so ma'am, it will be actually what curriculum kya hoga, ma'am? Actually, aap classes gin rahe ho, plus we have hours, plus we have other days as well, right? भाई हम क्लासेस 3 दिन कर रहे हैं, पर बाकी 4 दिन क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे. तो क्लासेस भले ही आपकी 3 दिन होगी, लेकिन जो चीज आपको क्लास में, स्पेशली क्वांटम में जो हम आपको सिखाएंगे ना, उसके लिए आपको कोई ऐसा वो नहीं करना है कि यू नो उस अगर हमने 4 दिन में नहीं किया तो हमें नहीं आएगा. ऐसा कोई चीज है नहीं क्वांटम में. क्वांटम इज द मोस्ट 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 इजिएस्ट प्रोसेस टू डू. तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. मैं बोल रही हूँ कि 12 days की क्लास में करिकुलम क्या रहेगा? व्हाट इज करिकुलम? सी, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद मेडिटेशंस, ओके? जो अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो आप लिंक के थ्रू कर सकती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. उसके बाद हम क्वांटम फील्ड बनाना सीखेंगे, फिर हम इस क्वांटम को दूसरी मॉडलिटीज के साथ कैसे काम कर सकते हैं क्वांटम के थ्रू वो सीखेंगे. उसके बाद कुछ क्वांटम की अपनी टेक्निक से हम वो सीखेंगे, करेक्ट? और उसके बाद हम हीलिंग करना सीखेंगे प्लांट्स की, एनिमल्स की, बॉडी ऑर्गन्स की, मनी की, बिलीव्स की. तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और बड़ी बड़ी चीजें हम लेते जाएंगे. देर आर सर्टेन नीड्स ऑफ वन पर्सन, वो हम नीड्स को बैलेंस करते हैं इसमें. तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाएंगे, एंड देन वी विल गो टू एडवांस लेवल. Yeah. We will put the contents on screen. Yes. Give some time. We will put the contents on screen. आप एक बार questions ले लीजिए. नीचे जो questions हैं, then we will put the contents. Yeah, on sir. Within 1 hour, I'll send you all the topics and details, whatever it is. And, it is already there on the group also. अच्छा. आप किसी group में होंगे हमारे academy के. It is there. If it is not, then we will send it again. वो वहाँ पे flash होते हैं. Groups में हमारे flash होते हैं. मैं एक link share कर रहा हूँ. आप वो link join कर लीजिए. उसके अंदर re-flash कर दें. I'm putting in the चैट बॉक्स. सुमित जी, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेना चाहूंगी. मैं महात्मा, नमस्ते. आई हैव इंटरेक्टेड विद यू बिफोर, बट मैम आई कुडंट जॉइन द क्लासेस आई थिंक बिकॉज ऑफ द इवनिंग आवर्स. सो दिस टाइम आई डेफिनेटली विल जॉइन. आई जस्ट वांटेड टू गेट योर ओपिनियन ऑन 2-3 थिंग्स. वन इज व्हेन यू आर सेइंग दैट नथिंगनेस एंड व्हेन द एटम्स आर देयर, इजंट दैट व्हाट वी रेजोनेट विद द Big Bang Theory and the sound ohm? No, sir. Actually, this is... sorry, yeah, tell me. Yeah, so that was one thing I wanted to know. Second thing, ma'am, I have many heart ail... I have a heart... I have done bypass 2 times. Oh, okay. And I have... Because of that and my statins and all, my liver is also quite bad. And many, many more I will share with you in the due course. So, will I be able to heal myself? Because everybody in the group knows I'm from the last 1 year looking around. Where will I heal myself? Oh, what is my life's motives today? Mm-hmm. And you also said that tumors can be cured. Surprisingly, somebody very close in the friend circle has been diagnosed with breast cancer. Okay. So maybe will I be able to help them or? Yes, of course. फर्स्ट थिंग इज दैट कि हीलिंग में जो आपने बिग बैंग थ्योरी की बात की, सी एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंग. सो व्हेन कियोस हैपेंस, व्हेन कियोस हैपेंस, देन थिंग्स वर्क्स, राइट? या राइट. सो व्हेन वी आर बर्निंग द चेयर, देयर इज अ कियोस. या कियोस से सारी हीट निकली, देन वी वेंट टू द फाइनर लेवल, देन वाइब्रेशन, यू नो, देन अगेन वी रीच टू द प्योर अवेयरनेस. सो इन अ वे, यस.
बट नॉट इन दैट वे, जो थ्योरी है उस तरह से नहीं, हम इसको थोड़ा स्पिरिचुअली टर्न कर रहे हैं बिकॉज हमारा पर्पज है यहाँ पे हीलिंग करना. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर हाउ टू रीच टू दैट प्योर अवेयरनेस जहाँ पे हम रीअरेंज कर सके सबको कि जिसको मुझे जैसा बनाना है वैसा बनाऊ, या जो इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है उसको हम बैलेंस करेंगे टू रीच टू द प्योर अवेयरनेस एंड वी विल क्रिएट द वाइब्रेशन विच इज कॉल्ड क्वांटम फील्ड हियर एंड देन वी कैन रीअरेंज एनीथिंग एंड इट इज परफेक्टली फाइन बिकॉज यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, एक तो आपने बताया हार्ट का प्रॉब्लम्स है, लिवर का प्रॉब्लम है, एक्चुअली वी ट्रीट लिवर एज अ सेपरेट चक्रा इन क्वांटम, लिवर एंड स्प्लीन. अगर आपको लिवर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत स्प्लीन को भी प्रॉब्लम जरूर होगा, जरूर होगा, बिकॉज स्प्लीन इज द बैलेंसर ऑफ द बॉडी. सो डोंट वरी, यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम में कोई, बिकॉज इट इज वेरी माइल्ड थेरेपी बट इट इज अमेजिंग एंड मिरेकुलस. सो डेफिनेटली जैसे, क्योंकि जैसा इन्होंने भी पूछा था क्या करिकुलम रहेगा, उसका जो रीजन है उस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने का कि आपकी बॉडी को उस लायक बना देना कि जहाँ पे आप क्वांटम वाइब्रेशन या क्वांटम फील्ड जब आप बनाए तो यू कुड यूज इट फॉर द बेस्ट. एंड मैम इम्बैलेंस व्हाट इज देयर सो दैट ऑटो करेक्ट्स और विल यू टीच अस हाउ टू करेक्ट ईच इम्बैलेंस, सो हाउ डज दैट वर्क? सी what we call is imbalance which is not working in your life, yes, right? Yes. It will be corrected with the intention of the person who is doing healing for you or your own intention for yourself, because isme hum self healing bhi sikhenge. So aapko aisa bhi nahi hai aapko depend hona padega ki ye kare ya wo kare. Yes, main ek cheez zarur bolti hu, agar aapko problems zyada hai to aap apni class mein se ya apne jo hum jitne bhi log forum mein usme se kisi ek ko choose kar lijiye aur unke sath healing kijiye, uska experience ho jayega, आपकी हीलिंग हो जाएगी एंड इन रिटर्न व्हाटएवर यू वांट टू डू फॉर द पर्सन इट डिपेंड्स आप दोनों के बीच. या वाइसी वर्सा, सो या या सो आप कर सकते हैं. आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू, डेफिनेटली आई विल गाइड यू, आई विल व्हाटएवर आई कैन डू आई विल ऑलवेज हेल्प यू. बट जो आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम क्या होता है, आपको हार्ट अटैक्स आए हैं, व्हाट हैपेंड? हां जी मैम, आई हैड अ हार्ट अटैक. One heart attack only. One heart attack. So still there are chances to cure very fast, because जब पहला attack आता है तो scar छोटा होता है. So you know still it is okay. But ma'am, my history is very old. I got my first heart attack on 16th March 1998. Okay. And this does not matter. Yeah, my first bypass was in 98 April. Uh-huh. And my second bypass was on 8th March 2007. Okay. So with the mercy of Almighty, I am still sailing past. I cannot take any more risk, because today now I am running 56, and that's where your body starts slowing down now when you touch 60. No, this is also a belief. See, क्या होता है हमारे डॉक्टर, आपको मैं सच बता रही हूँ, जो मेरे पास एक डॉक्टर आए थे आज की डेट में, वो सिंगापुर में है, ठीक है. He is completely non-believer of any healing, vastu, ye, wo, jo bhi hai. But he used to work with the weavers, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके साथ वो काम करते थे. उन्होंने डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया. उनको पता था कि जितनी भी दवाइयाँ मैं खाऊंगा वो सब सब्सक्राइब करेगी, वो हील नहीं करती हैं. फिर मेरी जो फ्रेंड जिनके थ्रू मैं कनेक्ट हुई, उसका मैंने वास्तु किया था, तो वो पूरा उसका क्या हुआ कि वो एक टूटी सी टेबल से लेकर के उसने बीइंग ह्यूमन जैसा अपना स्टूडियो बना लिया था. तब उनको लगा कि नहीं, वास्तु में कुछ तो दम है, तो उन्होंने क्या किया है, तब से उनको बिलीव होना शुरू किया. फिर वो आए, अपना अस्थमा का भी उन्होंने हीलिंग करवाया, उनको शुगर थी उसका हीलिंग करवाया. तो क्या हीलिंग, ऑल हीलिंग्स आर वेरी माइल्ड, होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया तो, या क्योंकि योर बॉडी नोज वेयर टू मेंटेन द बैलेंस, स्पेशली योर हार्ट नोज. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है आपका एनर्जी लेवल थोड़ा अप होगा एंड यू विल गेट वेज आल्सो टू कम आउट फ्रॉम दिस डिजीज. गुड मैम, आई होप इट्स ऑल क्लियर. या थैंक यू. थैंक यू रीना जी. I wanted to ask ki abhi I was also planning to do pranic healing. So after doing quantum and healing, like how will it be different? Should I go for that as well? Because I'm very dono bahut different hai. Pranic is a total meditational. Quantum is total practical and open eye technique. Dono bahut different hai. But so both can add on to each other.
And in Pranik, I think someone else needs to heal us. We cannot. Yes. Yes. यहाँ पे आप खुद की healing उतनी अच्छी तरह से कर सकते हो जितना कि कोई दूसरा आप ही कर रहा है. उसमें कोई problem नहीं. Okay. And my second question is, so we'll have 3 months of classes if we include the advance also. See, this is 2 months. Advance में भी हमारे पास 2 महीने हैं. Okay. Yeah. So actually, क्या हो रहा है कि ओके सर ने वो डाल दिया. एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो 2 महीने का तो ऑलरेडी इसमें आप कंप्लीट कर रहे हैं है ना. फिर हम जो एडवांस लेके आएंगे उसमें ऑलरेडी 2 महीने हैं तो टोटल इट इज 4 मंथ्स. बिकॉज सो 4 मंथ्स विल एवरीथिंग विल बी कवर्ड आफ्टर दैट देयर इज नो यस. सी क्वांटम इज अ ह्यूज वास्ट सब्जेक्ट. इट्स नॉट जस्ट एंडेड वेयर आई विल एंड दिस सब्जेक्ट. मतलब वहां से तो आपको शुरू करना है आपकी हीलिंग कहाँ कहाँ आप हीलिंग कर सकते हो किस किस चीज की है. मैं तो अपने कंप्यूटर की भी हीलिंग कर देती हूँ. Yes. है ना. तो वो भी हो सकता है. बट एज वेन यू आर फोकस्ड आप किसी भी चीज को हील कर सकते हो. सो 4 मंथ्स में यस आपको डीएनए एक्टिवेट करना आ जाएगा. आपका मनी का जो प्रॉब्लम है या जो भी बिलीव्स है वो सब हम क्लियर करेंगे. मनी मेडिटेशन होगा एट द एंड ऑफ द क्लास इन एडवांस. बहुत कुछ होगा. ओके लाइक ऑल द डिजीजेस आल्सो लाइक यस यस ऑफ कोर्स एवरी डिजीज इज हैज हिज ओन वे. मतलब क्यों आई है वो भी होता है. और यहाँ पे तो हम प्रैक्टिकली उसको वाइब्रेशंस देके ही उसको निकाल देते हैं. नी प्रॉब्लम जो आपका वो मोच आ जाती है ना पैर में स्प्रेन कर जाता है वो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब कुछ आप ले सकते हो उसमें. Because earlier I was going to learn quantum like Raji sir says it was very costly. It was like in lakhs. Yeah, it is. I paid lakhs na. I paid. So I know that it is true. It's very very costly. क्योंकि इसमें जो DNA activation होता है it's not only DNA activation. ये आपके ना पूरी body को detox करता है. आपका energy level बढ़ाता है. जब आपका energy level बढ़ेगा ना तो आपके life के जितने भी areas है ना जहाँ आप राइज करना चाहते हो जहाँ पे आप फ्लरिश करना चाहते हो सब आसानी से हो जाता है. बट व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज इक्विवेलेंट टू दैट. कोई उसमें ऐसा नहीं है कि सिंस वी आर डूइंग दिस कोर्स समथिंग लेस विल बी देयर. एवरीथिंग दैट वाज टॉट टू यू विल बी टॉट टू अस. यस ऑफ कोर्स. सी मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देती हूँ. क्वांटम एक ऐसा रूम है जहाँ पे मैं आपको एंट्री दूंगी लेकिन वहां पे आप क्या क्या खुद से कर पाओगे ना वो आपके माइंड के ऊपर है. आप कुछ भी कर सकते हो क्वांटम में. सी क्वांटम एक बार आप क्वांटम फील्ड बनाना सीख गए आपको एक बार क्वांटम का फंडा आ गया कि ये कैसे काम करता है ना आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं है. ये मे भी कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ नोट्स नहीं है या है या जो भी है बट एक्चुअली आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अनलेस कि 2-4 पॉइंट ऐसे जैसे ह्यूमन नीड्स बैलेंस करना है तो उसके लिए हो सकता है आपको लगे कि हाँ मैं वो 4-5 नीड्स थी वो मेरे को याद नहीं रहेगी तो मैं अदरवाइज देर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग इन क्वांटम. You just need to understand ki how we do quantum therapy. That's it. Thank you. Thank you. Haan ji, Rakhi ji, aap boliye. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मैम ये पूछ रहे थे जो मेडिटेशन होती है वो इसके स्टार्टिंग में होती है थ्रू आउट द लाइफ आपको जब तक आप क्वांटम में होते हैं रेगुलर करनी होती है. एक्चुअली मैं बताऊँ आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें कि पहले तो हम बहुत मेडिटेशन करते थे ये करते थे वो करते थे बट द मोमेंट वी अंडरस्टूड कि अरे बिना मेडिटेशन के भी हमारा क्वांटम फील्ड बराबर बनता है क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं उससे. ठीक है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वांटम फील्ड बनाने से ही आपका वो ब्रेन वेव स्लोअर होना चालू हो जाती है. तो जब आप क्वांटम कर रहे हो रोज एंड डेफिनेटली जब कोर्स में आप रहोगे तो मैं आपका खून पीऊंगी रोज करना है आपको. मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ. ठीक है क्योंकि मुझे आपको एकदम परफेक्ट करना है कि आपको ये करना ही है क्वांटम मेडिटेशन रोज. क्योंकि जिस चीज को हम स्टार्ट करें उसमें तब तो आपको करना ही पड़ेगा. लेकिन जो लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं ना उनको वो एक बार अपने दोनों हाथों के बीच में क्वांटम फील्ड बनाते हैं ना उनको पता होता है कि नाउ वी आर डन जस्ट फॉर 1 मिनट हो गया काम. तो जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ अगर आप क्वांटम प्रैक्टिस में रख रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही आपको जरूरत नहीं. वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में हो ही जा रहा है. मैम जैसे आपने कहा था इसमें आप अपनी एनर्जी यूज करके एक स्पेस क्रिएट करते हैं क्वांटम की
तो जब हम अपनी एनर्जी यूज करते हैं तो जैसे आपसे कोमल जी ने भी पूछा था, तो एनर्जी डेफिनेटली हमारी ड्रेन आउट तो होती ही होगी ना अगर हम नहीं, 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 नहीं। ये कि ये ना बहुत बड़ा मिथ है हीलिंग में, ये चीज ना मैं सच बताऊं ये सिर्फ मैंने इंडिया में सुना है, बाहर में कोई नहीं मानता इस बात को। अभी हमारे आई थिंक आइंस्टाइन की बात करी, उन्होंने बोला था कि एक इंसान में इतनी एनर्जी होती है कि वो कलकत्ता जैसे शहर को बर्न कर सकता है खत्म। तो जब हमारे पास इतनी एनर्जी है तो फिर ये नेगेटिविटी ड्रेनिंग ये वो ये सब हमारे खुद के बिलीफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा मैंने उनको भी अभी बताया कि जब तक आपका क्लाइंट ऐसा आता है जो आपको आईना दिखा देता है कि देखो ये प्रॉब्लम तुम्हें भी है, तब आपको थोड़ा हैवी फील होगा, ड्रेन फील होगा। पर जब आप अपने स्पेस में हील कर रहे, देखो हीलिंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वन और टू डेज। अगर आप हीलिंग में आ चुके हो ना तो आप ये समझ लो कि हीलिंग इज नॉट ए वेरी नाइस वेरी जॉयफुल प्रोसेस। यस इट इज, पर उस दिन जिस दिन आपके इश्यूज पूरे रिजॉल्व हो जाते हैं पूरे, इन द सेंस हम डे टू डे लाइफ में हमारे चैलेंजेस रहेंगे ही फॉर श्योर, लेकिन उसका जो मैक्सिमम अमाउंट आप निकाल दोगे, देन अगर आप एक बार भी क्वांटम बनाओगे यू वुड नो दैट अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है। हमको यहीं तो पहुंचना है, लाइफ तो जीनी है ठीक है, और उस लाइफ को ईजी करने के लिए हम ये हीलिंग को यूज करते हैं, हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो जिस दिन बोली मैम, हाँ जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना कि हाँ मैंने मैक्सिमम इश्यूज मेरे खत्म कर दिए, अब मुझे सिर्फ अपने डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को देखना है, वहां पे आप एंजॉय करते हो। हीलिंग इज नॉट ए वेरी स्मूथ नाइस हैप्पी प्रोसेस, कई बार आपको बहुत पेन भी होता है या बहुत ड्रेन भी महसूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी इतना काम कर रही है। क्यों ड्रेन महसूस होता है हीलिंग करने के बाद, उसका भी आंसर मैं आपको दे देती हूँ। जब आपकी बॉडी रोज खाना पचा रही है, खाना आप खा रहे हो, रोज के डे टू डे वर्क जो आप कर रहे हो आपकी लाइफ के, तो वो आप रोज कर रहे हो ठीक है, बॉडी उसमें लगी हुई है, उतना हो गया बस ठीक है, उसको उतनी आदत भी है और उतना उसका एनर्जी भी है। जिस दिन आप हीलिंग लेते हो अपने हाथ में और फिर जब आप हीलिंग करना शुरू करते हो, बॉडी को पता है कि अरे ये तो ये ही हील करना, बिकॉज इट इज ऑल विद योर इंटेंशन। अभी इंटेंशन क्या था, खाना है डाइजेस्ट करना है बस, मेरे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बॉडी को, दैट्स इट। अब आपने एक नई चीज डाल दी बॉडी में कि भाई अब मुझे ना ये मेरा हाथ का दर्द सही होना चाहिए, या मेरी मेरी लाइफ में पैसा, पैसा क्या है, यू आर द मनी, मनी कहीं बाहर नहीं है, मनी एनर्जी इज देयर ओनली। अब आपको मनी के लिए आपने हीलिंग कर दी तो बॉडी को वो ब्लॉक्स भी निकालने होते हैं ना, तो यू फील वेरी डल, तो ये सीन भी तो होता है आपके लाइफ में, बट इट इज फॉर योर गुड। बट आप जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो या कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हो जो क्विक रिलीफ करती है, बट वो क्विक रिलीफ ही होता है, उससे आपका कुछ बनता नहीं है, बट यहाँ पे यू आर क्रिएटिंग समथिंग, दैट इज द डिफरेंस। तो मैम जैसे आपने कहा था क्लाइंट हमारा मिरर होता है, तो जैसे वही चीज अगर आपको बीइंग अ हीलर आपके अंदर भी वही चीज मतलब आ गई बाय चांस आपको अंदर, जैसे आप कह रहे कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर ही होती है आपको क्लाइंट से आ जाती है, तो उनको भी क्लाइंट से नहीं आती है, क्लाइंट आपका ट्रिगर करके चला जाता है, देखो तुम्हें भी ये है प्रॉब्लम, तो फिर उस पे भी हम अपना हील करके उसको उस वही बेस्ट टाइम होता है। देखिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताती हूँ क्या होता है कि जब आपके बुरे ग्रह दशाएं आती हैं ये सब होता है, तब क्या होता है आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ऊपर आ जाते हैं, आपके सारे जो वुंडेड हर्ट इनर चाइल्ड है वो बाहर आ जाते हैं ठीक है, ये सब बाहर आके आपके सर पे सवार हो जाते हैं कि कुछ करो मेरा। अब हम लोग इतना ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो हमारा खराब समय आया है, आपकी सारी पास्ट लाइफ एक्टिव हो जाती हैं ठीक है, उनके सारे पैटर्न्स आ जाते हैं, कहाँ कहाँ आग लगी थी, कहाँ कहाँ पैर टूटा था, कहाँ कहाँ बीमारियां हुई थी, वो सब आ रही है आपकी, स्पेशली जब चंद्र की आती है राइट, तो आपका पूरा रिलेशनशिप में कचरा हो जाता है, तो वहाँ दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिलीज, होने दो जो हो रहा है, बट दिस इज योर बेस्ट टाइम टू रिलीज, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने इतना जो पढ़ाई किया, मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, मैं आराम से बुटीक खोल के बैठ सकती थी, बट क्यों आज इसमें हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टूड वन थिंग कि ये कोई बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो करेला खाओगे तो ही बॉडी को बराबर क्लेंजिंग मिलेगा ना, ये करेला है, करेला खाओगे कड़वा लगेगा लेकिन बॉडी को बराबर क्लेंज करेगा आपको, है ना। तो ऐसा दुनिया में कोई प्रोसेस नहीं है, अगर आप में इम्बैलेंस है तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए थोड़ा केओस तो होगा, दुनिया बनी थी, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, केओस हुआ था। सो हम लोग क्या घबरा जाते हैं वहाँ पे, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होती, प्रॉब्लम इज नॉलेज। अगर आपको याद हो हमने PLR में क्या पढ़ा था,
हमने ये पढ़ा था कि कृष्ण जी कहते हैं कि अपने कर्मा से निकलने के लिए बेस्ट थिंग इज व्हाट? विजडम. इफ यू हैव विजडम यू कैन कम आउट फ्रॉम ऑल योर कर्मा. तो हमको विजडम नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ पे है. हमें पता नहीं होता कि इतने खराब समय में जो मेरा चल रहा है इसमें मुझे करना क्या है. बट एवरीथिंग गोज विद योर इंटेंशन. आपको उस चीज से पीछा छुड़ाना है या उसे हील करके खुद को अपलिफ्ट करना, ये दो चीजें होती हैं. पीछा छुड़ाने के लिए बहुत टेक्निक्स हैं, लेकिन हील करके ऊपर आना इट्स अ लिटिल लेंदी प्रोसेस बट इट वर्क्स एट द एंड. वो आप पूरी तरह से कहते हैं ना नाउ आई एम प्रूफ, वो है ये चीज. मैम और एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने कहा कि मतलब ऐसे हाथ करके हम उसको फील क्रिएट करते हैं क्वांटम की, तो अगर हम जैसे इतनी सारी मोडलिटीज करिए, अगर हम ऐसे हाथ को रख के उसको मतलब विजुलाइज करते हैं कुछ करते हैं, तो हमारे हाथों में तो वैसे भी वाइब्रेशंस आ ही जाती हैं. और उन्हीं वाइब्रेशन को हम क्वांटम में कैसे यूज करते हैं और कैसे हम क्वांटम फील बनाते हैं वो आप सीखोगे क्लास में. अच्छा, अभी जो हमारी वाइब्रेशन आ रही है उससे हीलिंग हो रही है, बट उस लेवल की नहीं होगी. जब हम क्वांटम करेंगे तो वो, हाँ, बिकॉज तब आपको अवेयरनेस आएगी ना. नाउ यू आर नॉट अवेयर कि ये चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे इसको बढ़ा सकते हैं या इसको क्वांटम फील्ड भी बोल सकते हैं या इस फील्ड को कैसे बनाएंगे या जो अब तक मैं करती थी इसको क्वांटम फील्ड भी कहा जा सकता था. तो जब आपको नॉलेज आते हैं, वो विजडम वाली बात है ना, विजडम आ गई. अब उस विजडम को आप यूज करो. क्योंकि मैम जब ऐसी इतनी सारी मॉडलिटीज हमें कर ली ना, तो मुझे समझ नहीं आता हीलिंग कैसे करे, तो मैं तो हीलिंग ऐसी ही करती हूँ. ये जो मॉडलिटी है ना जो हम अभी करेंगे, इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि ये मॉडलिटी के साथ दूसरी मॉडलिटीज को आप कैसे आराम से ऐड कर सकते हो और उस मॉडलिटी की पावर और 100 गुना बढ़ जाएगी. जैसे हम थीटा में 7th प्लेन पे जाते हैं, 7th प्लेन से कनेक्ट करके अगर आप ये क्वांटम करे हो उसके बाद आप रेकी करे हो, तो मतलब ये तो एनर्जी ब्लास्ट कर दोगे आप. बट ये चीज पे आपको थोड़ा बिलीफ होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा ये कि यस आई कैन डू इट कॉन्फिडेंस. क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हो, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ आपका बिलीफ क्या होता है, डॉक्टर की गोली. कुछ लोग तो डॉक्टर के दरवाजे पे जाके ठीक हो जाते हैं. मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ डॉक्टर के दरवाजे पे जाना होता है, गोलियां होलियां तो चलो ठीक है. और बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको पता है 50% इज एंड 50% इज द टैबलेट. नहीं नहीं, मैं वो तो अनु थोड़ा कह रहा कि मैं पता है उन्होंने दिखाया सी जीके कितनी है, समझ रहे हैं ना आप? यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम. तो ये बिलीफ होना बहुत जरूरी है. जैसे हम नेगेटिव बिलीफ बनाते हैं ये नहीं हो सकता, तो हम पॉजिटिव भी तो बना सकते कि ये हो सकता है. तो दोनों आप ही के थ्रू क्रिएटेड है, राइट? यस, थैंक यू, थैंक यू. ओके, वेलकम. कोई और क्वेश्चन? कितने बजे से स्टार्ट होगा ये? I think सर ने 2:30 टाइम रखा हुआ है. 2:30 से 3 आवर्स का बोल रहे हैं? नो मैम, 1:30 सर ने अभी मेंशन किया. 1:30, यस यस 1:30. तो मैम ये ना बड़ा हेक्टिक हो जाएगा वेडनेसडे का प्रोग्राम, क्योंकि अभी 4 बजे से जो मेरी क्लासेस है. इट्स नॉट ऑन वेडनेसडे. नहीं नम्रता जी, वेडनेसडे नहीं है मैम. है है Tuesday, Thursday and Wednesday. Tuesday, Wednesday, Thursday. मैं Friday कर लीजिए please. Friday actually I go for BNI meetings, तो मेरा Friday नहीं हो पाएगा. चाहे कोई और डे हो जाए मैम, लेकिन क्योंकि ना Wednesday का तो इतना hectic schedule हो गया है, ये भी सारे के सारे courses pending हैं, जो 4 बजे start होगा 10:30 बजे तक लगातार हमारी classes हैं. फिर 1 बजे से 10:30 बजे तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई इंसान कैसे बैठेगा. एक नहीं, 11 बजे से, क्योंकि अब टैरो भी स्टार्ट हो रहा है, तो 11 to 11. तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, एक सेकंड, आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनको आप मतलब डायरेक्ट अटेंड कीजिए. कुछ कोर्सेज के आप वीडियोस बाद में भी देख सकते हैं ना, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो. जहाँ पे आप पूरी ब्राह्मणीय है, क्रिस्टल है, PLR है और पर्सनैलिटी एनालिसिस है. चलो पर्सनालिटी एनालिसिस को हम लास्ट वाले को सिर्फ एक छोड़ सकते हैं मेरे ख्याल से. नहीं नहीं, ब्राह्मणिक ना जो है नेक्स्ट वीक है, और एक भी क्लास मंडे को होगी, वो तो क्लैप्स नहीं करेगी क्योंकि मंडे हमारी कोई क्लास नहीं होती. तो एक से वेडनेसडे पड़ेगा. आप एक काम कीजिए, राखी जी को काफी कुछ पता है, बाकी सर है, सर से आप बात कर लीजिए, सर आपको समझा देंगे कि हाउ यू कैन मैनेज. उनको पता होता है ना, तो सर बता देंगे हाउ यू कैन मैनेज. मैनेज तो स्किप करनी पड़ेगी क्लासेस. मैनेज कैसे होगा? नहीं, मैनेज हो जाएगा. देखिए आपके पास लिंक्स तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे. हाँ, वो तो है, जो आमने सामने करने का मजा है, क्योंकि लिंक्स से ना
बाद में कई बार नहीं देखा जाता, छूट जाता है, चलो छोड़ो अच्छा कल देख लेंगे, ये कल कल ही होता रह जाता है फिर तो लिंक से तो। यस, आधे कोर्सेज वैसे ही छूट जाते हैं। सर से मुझे थोड़ा बात, सर आर यू देयर? यस सर, सर इनकी प्रॉब्लम है नमिता जी की, मेरी नहीं है, ये वाला वीक जो कमिंग वीक है उसको छोड़ के अगर नेक्स्ट वीक से करेंगे ना तो हमारा ये कॉस्मिक वाला ना, जस्ट वेट वेट वेट, आई एम देयर, आई एम देयर, ठीक है, मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, डोंट वरी सर। इजाजत है उजाला जी, इजाजत है, बिल्कुल यू कैन टेक ओवर। सर महिलाओं के बीच में मेरा बोलना भी ठीक है सर, मैं अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ तो सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं बहुत देर से सुन रही थी, एक्चुअली मैं दिया लगा रही थी तो मैंने कहा लेट देम ऑल यू नो सब अपनी अपनी बातें बोलने दो बाहर आने। ओके जी, देखिए ब्राह्मी ऊर्जा जो है वो आज हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है, नेक्स्ट मंडे इट विल बी डन। ओके, और जो पर्सनालिटी का है उसकी भी तीन क्लासेस ही हैं, मोस्ट ऑफ इट नेक्स्ट वेडनेसडे वो खत्म हो जाएगी, तो वो दैट इज लाइक इन द इवनिंग 9 to 11, राइट? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक बाय वेडनेसडे एंड मंडे यू विल बी फ्री फ्रॉम ब्राह्मी ऊर्जा एंड पर्सनालिटी। उसके बाद जो शेड्यूल होगा वो हम सर से डिस्कस करके वी विल जस्ट गो थ्रू इट। मैम ब्राह्मण की जो हमारी फिफ्थ क्लास है आज, हमारी थ्री क्लासेस के बाद हमारी रहती है, यही मैं बोल रही थी कि एक वीक रहेगा हमारा, हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं ना मैम, जो अभी कमिंग वीक की वेडनेसडे वाली क्लास है सिर्फ उसको मैनेज कर लें कोर्स, बस फिर अगले वेडनेसडे से तो आपकी ओवर ही है। हाँ तो एक वेडनेसडे की प्रॉब्लम आएगी, यही मैं नम्रता जी को भी बोल रही थी। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन वो एक की भी तो है ना, तो एक दिन नहीं रखेंगे, सर से बात कर लेते हैं उस वीक में वेडनेसडे नहीं रखेंगे, ऐसे कर लेते। सर अब आप बताएं क्या करना है, राखी जी और नम्रता जी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज। सर कैन यू शेयर द स्क्रीन व्हिच यू शेयर्ड अर्लियर, द कंटेंट ऑफ द कोर्स? हां मैडम मैं वो अभी दिखा देता हूं आपको। और उजाला मैम इसके कितने लेवल्स होंगे? ऑलरेडी ये जो आपका अभी ये हम जो एक महीने में कर रहे हैं इसमें हम बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं पूरा, ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा सेकंड लेवल, हाँ ये टू मंथ्स के एक एक लेवल से, लाइक बेसिक टू मंथ्स, एडवांस टू मंथ्स, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर होगा और नहीं? उसके बाद नहीं होगा, आई थिंक एडवांस के बाद वी आर ऑल डन। ओके ओके, थैंक यू मैम। अभी सर ने कहा 2 मंथ्स का और होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, तो एडवांस के बाद 2 मंथ्स सर ने अभी और अभी स्टार्टिंग में जब सर ने स्टार्ट किया था तो एडवांस ही 2 मंथ्स का, 2 मंथ इज एडवांस, तो एडवांस के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होएगा। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो नहीं वो एडवांस ही डिप्लोमा का नाम दिया है। नहीं नहीं सर ने कहा अभी 2 मंथ्स के लिए आपको और डिप्लोमा करना, डिप्लोमा के लिए और 2 मंथ्स करना सर। आ गए ये ब्राह्मणी की अभी 4 क्लासेस हुई है, एक वेबिनार था, 4 क्लास, सर 5 क्लास हुई है, सॉरी सर आज फिफ्थ है, आज फिफ्थ नहीं, आज फिफ्थ नहीं है, आज सर वेबिनार है ना उसमें। हाँ ठीक है, तो आज फिफ्थ क्लास है, राइट, आज फिफ्थ क्लास है, दिस इज सर। ठीक है, और दूसरा कौन सा आपने बोला सर? अब कमिंग वीक में क्या होएगा? टैरो स्टार्ट होएगा, आई थिंक उनको पर्सनालिटी का क्लास भी कुछ उनको लग रहा है। हाँ जी पर्सनालिटी की है सर, रात को 9 बजे से 10:30 पर्सनालिटी की 6 क्लासेज हो चुकी हैं, तो पर्सनालिटी की जब क्लास है 7 6 ठीक है सर। लेकिन हमारी ना ब्रह्मांड किसके बाद ना हमारी वो भी होती है, क्रिस्टल भी स्टार्ट हो गई है वेडनेसडे से, क्रिस्टल के बाद पीएलआर है सर, फिर उसके बाद टैरो रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना सर। 11 to 9 तक की क्लासेज हैं वेडनेसडे को। देखो इन टोटलिटी मैं ये बात बोलना चाहूंगा, मैंने बात पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको, आई विल बी टेकिंग द लीव नाउ सॉरी बिकॉज़ माय क्लास स्टार्टेड। यस थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जॉन, बट आपकी क्लास के बच्चे तो यहीं पे हैं। हां जी सर, सर हां जी सर, आधे पार्टिसिपेंट्स यहां बैठे हैं, अब बताओ सब आ रहे हैं, हम यहीं पे बैठे हैं अभी, आ जाइए हम सब यहीं हैं अभी। गिव गिव 10 मोर मिनट्स, दिस इज गोइंग टू बी ओवर। हां हां इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, आई हैव रिपीटेड थिंग्स लाइक ओके। सो what I'm trying to say here is that ठीक है ब्राह्मणी ऊर्जा खत्म हो जाएगी लास्ट वीक तक, या कोई और सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद भी सब्जेक्ट तो आएगा। सो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आपको
सब्जेक्ट आपने चूज करें कि आपको क्या क्या करना है उस हिसाब से आप मेरे को बता सकते हैं. बिकॉज आई टेल यू वन थिंग दैट अभी मैं शेड्यूल ओपन ही कर रहा हूँ. लेट मी चेक द शेड्यूल ऑल्सो. चलिए सर मैं फ्राइडे मैनेज कर लूंगी कैसे भी. आप फ्राइडे का टाइम बता दीजिए पर फ्राइडे थोड़ा अराउंड 2:30 रखेंगे तो अच्छा रहेगा. 2:30 फ्राइडे को पॉसिबल है क्योंकि फ्राइडे को 5 बजे वाली क्लास कोई नहीं है. यू कैन डू दैट. तो 5 बजे बेस्ट है सर मेरे लिए. आई कैन इवन सेट फ्राइडे को सर क्रिस्टल है ना 5 बजे 5:30 करेक्ट. फ्राइडे को 4 बजे क्लास नहीं है. फ्राइडे को 4 बजे क्लास नहीं होती है. उसमें क्लास मैम की ऑफ कर दीजिए. फिर हम वेडनेसडे से वेडनेसडे कर लिया करेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस कमिंग वीक में प्रॉब्लम है सर. या आप टैरो भी मत स्टार्ट कीजिएगा. एक हफ्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम एडजस्ट कर सकते. हां ऐसे कर सकते हैं सर. सिर्फ एक ही वीक की बात है. नम्रता जी ऐसा हो जाएगा ना फिर तो. ओके किसी को कंटेंट चाहिए था. मैं क्लीन स्क्रीन पे कंटेंट लगा रहा हूं. एक मिनट ठीक है. आई थिंक द कंटेंट ऑन द स्क्रीन. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. हियर इज द कंटेंट. हियर इज द कंटेंट. हम लोगों की क्लास है. हियर इज द कंटेंट. यू कैन एंजॉय योर क्लास. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. कंटेंट्स आर देयर एंड द दिस इज कंटेंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड दिस इज अ 1 मंथ जर्नी. Here it is, the 1 month journey and the details. मैं यहाँ पे एक पंजीक देता हूँ. Classes as like it is Tuesday. Initially it is planned Tuesday, Wednesday and Thursday. अगर कोई change होगा तो बता देंगे हम आपको इसमें. Right? This is course is from 1:30 p.m. to 4 p.m. per day. Right? And then the this is 2 month course converted into 1 month. 1 month because of the this is basically a fast track course, right? And the fee for admin fee for the course is like those who are our academy participant. Academy member already. That is even 58 minus 15% is equal to 2685. And those who are doing first time, that is 2107. That is 4214. क्योंकि 2 महीने का कोर्स 1 महीने का कोर्स 2 महीने में कन्वर्ट हुआ है तो जो 1 महीने का फीस स्ट्रक्चर 2107 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4214 माइनस 25% इनिशियल डिस्काउंट वी आर ऑफरिंग टू द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट व्हिच कम्स टू 315. दिस इज द स्ट्रक्चर. सो दिस इज द डिटेल्स. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. डिटेल यहां पे दी है. और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे बार बार ये है कि जो आपके स्लिप्स होते हैं वो इन्हीं 2 नंबर्स पे आप भेजिएगा. कई बार स्लिप्स और किसी नंबर पे जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है स्कीम्स के अंदर अलॉटमेंट में. किसी और नंबर पे स्लिप जाएगा तो स्कीम अलॉटमेंट नहीं हो पाती है. तो इन्हीं 2 नंबर पे आप स्लिप भेजिएगा सो दैट स्कीम अलॉटमेंट में दिक्कत नहीं होती है. और इसके अलावा किसी को डिटेल्स और चाहिए तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा या आप अलग अलग से बात कीजिए या फिर आप ग्रुप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. 1-to-1 we will share to you details. And yes, anything else? Anything else that need to be addressed? Yeah. So the timings and days will remain the same as it was given in the poster. It is as like there is a lot of discussion. अभी जो हो रही थी like Wednesday को होगा या Friday को होगा. So from the academy perspective, both days are okay. Now the participants and the faculty's comfort considering the that too. अगर वेनसडे को अगर आप कंफर्टेबल है तो वेनसडे को कर सकते हैं. फ्राइडे को भी कर सकते हैं. फ्राइडे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसा समझ करने की. एज लाइक उजाला मैडम सेड ही शी विल आल्सो मैनेज ऑन फ्राइडेस सो वी विल डू ऑन फ्राइडेस इन दैट केस. इट विल बी अ 2.5 हां क्लास 2 से 2.5 घंटे का चलेगा क्योंकि फास्ट ट्रैक पे करना ही है. मतलब 8 क्लास है तो 10 क्लास हमें खत्म करना होगा एक कोर्स ताकि हम इसके बाद क्वांटम का सेकंड पार्ट आ सके. अच्छा जहां तक बात थी सेकंड क्वेश्चन की
सर्टिफिकेशन दोज हु डिड क्वांटम सेलुलर हीलिंग प्लस क्वांटम एडवांस क्वांटम डीएनए एंड मनी क्वांटम दे आर एलिजिबल फॉर डिप्लोमा इन क्वांटम राइट दोज हु डिड ओनली क्वांटम सेलुलर और क्वांटम डीएनए मनी क्वांटम दे आर टू सेपरेट कोर्स दे आर एलिजिबल ओनली फॉर सर्टिफिकेशन तो जिन्होंने दोनों कोर्स किए होंगे दे आर एलिजिबल फॉर क्वांटम डिप्लोमा इन क्वांटम हीलिंग्स जिन्होंने एक ही कोर्स किया होगा दे आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन इन क्वांटम लाइक ही एसेट डिजाइन सो दिस इज हाउ एंड बिकॉज़ वंस यू डिड क्वांटम इज अ वेरी पावरफुल कोर्स वेरी पावरफुल जर्नी जब आप दोनों कोर्स करते हैं तो आपको काफी अच्छी नॉलेज ज्ञान हो जाता है उससे काफी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं व्हाइल से दिस डज नॉट मीन कि क्वांटम यहाँ पे खत्म हो जाता है कोई भी हीलिंग मेथोडोलॉजी की एंडिंग नहीं होती है प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन पीपल सेज दैट कि अच्छा ये लास्ट होगा नथिंग कम्स लास्ट कुछ भी लास्ट नहीं होता ऑकर साइंस के अंदर कुछ भी ना होता है ना ही हो सकता है क्योंकि ऑकर साइंस की जो सीमा है वो परमार्थ तक है अब परमार्थ की सीमा अनंत है वहां तक जाने जब तक वहां तक नहीं पहुंचे ऑकर साइंस नहीं खत्म हो प्लीज अंडरस्टैंड अगेन आई एम सेइंग In the world of occultism, परमार्थ तक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक खत्म नहीं होगा और वहां तक का रास्ता कितना लंबा है वो आप समझ सकते हैं इसलिए चाहे वो डीएनए क्वांटम हो चाहे वो थीटा हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो वास्तु हो व्हाटसोएवर बी द सब्जेक्ट उसकी जो गणना है उसकी लिमिटेशन कभी खत्म नहीं होती बट व्हाइल सीइंग दिस इट इज ऑल्सो ट्रू दैट अगर आप एक पायदान तक काम करते हैं लाइक आपने दो सब्जेक्ट दो आपने लेवल कर लिए then you are good enough to do your own working on professional working yes usme aapko itna gyan ho jayega itna acha aapko control aa jayega ki aap kar sakoge ye baat usme bilkul sahi hai lekin again khatam koi cheez nahi hoti hai how come I hear Shilpi ji and Rajinder ji Nandini ji aapne how come I hear Shilpi ji and Rajinder ji ka samjha nahi baat जनरली सर सब लोग पूछ रहे हैं टाइमिंग के बारे में तो वो तो आप फाइनली आप बना के जब भी डाल देंगे तो ग्रुप पे सबको पता चल जाएगा कोर्स क्लैश नहीं होगा दैट इज फॉर श्योर मैंने पहले भी बताया था कोर्स क्लैश नहीं होगा वी आर डिजाइनिंग इन सच ए वे सेकंडली यस अभी कोई कोर्स खत्म होगा तो उसके बाद नया कोर्स प्लान होगा क्योंकि इट्स एन एकेडमी डिजाइन अब एकेडमी के अंदर करीब इस टाइम पे वी आर 10 फैकल्टीज वी आर वर्किंग सो उनके कोई ना कोई सबके कोई ना कोई सब सम अदर कोर्स तो रहेंगे ही रहेंगे वो आपका चॉइस कि आप कैसे चूज कर सकते हो वाइजली कर सकते हो लेकिन क्लैश नहीं होगा दैट इज श्योर क्लैशिंग ऑफ कोर्सेज दिस टॉपिक एंड वी एंश्योर देयर विल नॉट बी एनी क्लैश ऑन राइट और बताएं यस एनीथिंग एल्स दैट टू बी अदर प्लीज टेल मी उजाला जी कुछ रह गया अगर मैंने नहीं बताया या नहीं सर आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे किसी और का कोई क्वेश्चन है किसी और का कोई क्वेरी तो आप पूछें सुमित जी सर ये कल स्टार्ट कर रहे हैं ना क्वांटम की पहली क्लास कल होगी ठीक है सो दोज हु गेट एनरोल्ड बाय टुमारो दे वी आर एलिजिबल फॉर क्वांटम की फर्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो मैं ज्वाइन कर क्वांटम में आप मान के चलो कि 10 क्लास तो होंगी ही होंगी क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है आई थिंक सर हो सकता है एक आध क्लास एड ऑन करनी पड़े दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम वो हम कर सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्योंकि हर चीज समझ में भी आनी चाहिए और प्रैक्टिकली भी मतलब 4 हफ्ते 12 क्लास तो हां 12 क्लास तो 10 भी क्यों आई थिंक माय कैलकुलेशन इज रॉन्ग एक्चुअली 12 क्लास तो होंगी मिनिमम हां सर 12 हफ्ते 12 हां 12 क्लासेस तो है 13 या 14 क्लास तक जा सकती है हां हां ठीक है तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और ठीक है जुलाई तक पूरा हो जाएगा मतलब ये कंटिन्यू होएगा ना जुलाई के अंदर जुलाई मिड में ये कोर्स खत्म हो जाएगा जुलाई मिड देन ओनली द डीएनए स्टार्ट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस कोर्स ओनली डीएनए मनी क्वांटम स्टार्ट्स अभी तो अगर इन केस किसी क्लासेस मिस होती हैं बाय चांस बिकॉज़ सम फैमिली एंगेजमेंट्स हैं तो अगर आप हो जाएगा लेकिन किसी क्लास में लगातार अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आपके पास रिकॉर्डिंग तो है ही ऑलवेज उसके अलावा आप जब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे आप अपने फैकल्टी से क्वेश्चन पूछ लीजिए जो चीज मिस हुई थी आपकी रोमा जी आप तो इतने टाइम से कर रहे हो आपको तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था इसे नहीं मुझे लगती कि क्वांटम में न्यू है तो लाइक अगर इफ आई मिस मेरे लाइक नाम अजाला नाम की ड्रेक इंटेक्शन में जगह बहुत अच्छा लगता है
तो वो चीज अगर नहीं होगा तो इट विल बी इजी फॉर मी टू कवर अप मतलब यस यू विल बी एबल टू कवर नो वरीज जी एनीथिंग एनी अदर क्वेरी अगर किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम आज का वेबिनार को समाप्त करने की आप सबसे ज्यादा चाहेंगे ठीक है तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडेज वेबिनार आपका सबका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी थैंक यू नमस्कार सब लोग थैंक यू